हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ। आप ये बोल सकते हो कि आज के टाइम का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि CHSL 2024 की बात करें, मतलब मैं CGL 2024 के लिए बात कर रहा हूँ कि CGL 2024 वाले बंदों के लिए। CHSL 2024 की बात करें, जो फ़िलहाल SSC ने कंडक्ट किया है, उसने 139 क्वेश्चंस पूछे हैं और टोटल शिफ्ट हुई थी 36। तो ऑन एन एवरेज 3.86 क्वेश्चंस पर शिफ्ट आ रहे हैं। तो यानी कि लगभग लगभग किसी शिफ्ट में 3 आ गए होंगे, किसी में 4 आ गए होंगे, तो 4, ये 4 के ज़्यादा करीब है। तो मैक्सिमम शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस यानी कि 8 मार्क्स हर शिफ्ट के अंदर इसमें से आ रहे हैं। 50 में से 8 मार्क्स एक टॉपिक में से। तो कौन सा टॉपिक है, गैस करो एक बार, कौन सा हो सकता है? डाटा इंटरप्रिटेशन, DI, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि DI जो है जनरली कमी वीडियो मैंने पहले ही बनाई है, क्योंकि हो जाता है इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब की बार जैसे 3 तरह के क्वेश्चन हैं, इजी, मॉडरेट, मान लो डिफिकल्टी लेवल है, और ये हार्ड मान लो। अब की बार ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना, वो इस एरिया में है, मतलब मॉडरेट से कम आसपास। इधर भी हैं क्वेश्चन, ये नहीं है कि इजी नहीं पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो ये इस एरिया में अलाइंड है, चाहे वो कैलकुलेशन के कारण हो, या चाहे वो टाइम कितना लग रहा है उसके कारण हो, या फिर ऐसे हो, देखो इन्होंने 3D में डायग्राम दे दिया, ये बहुत मुश्किल नहीं है। बट जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे और एक बार आप इस वीडियो के अंदर देख लोगे इस तरह के सारे, तो जो इस वीडियो के अंदर देख लेगा, जो इस तरह के क्वेश्चन सारे कर लेगा, वो काफ़ी एडवांटेज में हो जाएगा। एक तो वो सरप्राइज नहीं होएगा वो एस्पिरेंट, और एक बार कर चुका है तो ज़्यादा शांति से उनको कर पाएगा, सरप्राइज नहीं होएगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। जैसे ये देख लो एक 3D डायग्राम, ठीक है। पहले 3D डायग्राम्स में नहीं पूछते थे क्वेश्चन, है ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए। बाकी मैं हूँ, डर किस बात का है, तसल्ली से करेंगे, इनको टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, मैं क्वेश्चंस के नंबर देना ही भूल गया, साथ साथ दे दूंगा, ठीक है। तो DI जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 आपके क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में, और CGL में भी ये ट्रेंड देखने को मिलेगा, मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। ओके जी, तो DI जो है ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है? डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में पहले नॉलेज होनी चाहिए आपको परसेंटेज की, वो हम पढ़ चुके हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए रेशियो की, वो हम पढ़ चुके हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए एवरेज की, वो आप पढ़ चुके होंगे, बेसिक एवरेज की, इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, है। और कई बार क्वेश्चन आते हैं टर्नओवर या फिर रेवेन्यू वाले, तो वहाँ पर आपको समझ होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस की। और जहाँ पर भी जिस भी समझ की ज़रूरत है आपको पता ही है, मैं शांति से बताऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ये वीडियो देख चुके होंगे तो अपने आप स्ट्रांग होके जाओगे आप एग्जाम में, ठीक है, क्लियर है। तो टेंशन मत लो, मैं इंपॉर्टेंस आपको समझा रहा हूँ चीज़ की। तो इन चीज़ों की बेसिक सी नॉलेज हमें होनी चाहिए, तो उम्मीद है कि बेसिक सी नॉलेज आपको डेफिनेटली होगी। बेसिक क्या, बढ़िया ही होगी, इतने अच्छे से रिविजन कर रहे हैं चीज़ों का हम, ठीक है। तो पेन नोटबुक लेकर बैठो, सीरियस मूड बनाकर बैठो, तसल्ली से करेंगे हम इस काम को, ठीक है। ओके जी, चलिए। और हड़बड़ी में मत रहना कि जल्दी कर दूँ। आपको एक बात बता देता हूँ, अगर 139 क्वेश्चन हुए हैं तो उनमें से इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊँगा टॉप 20 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन का, और टॉप 20 भी नहीं, ठीक ठाक 20 क्वेश्चन जो इस एरिया से मैंने उठाए हैं। बाकी क्वेश्चन का क्या होएगा वो वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। एक बार आप पढ़ो तो 20 को तो पढ़ो, ठीक है। तो जो बिल्कुल ईजी वाले क्वेश्चन वो मैंने नहीं उठाए हैं, ये मैं क्यों उठाऊँगा? मॉडरेट से थोड़े से कम, मॉडरेट या मॉडरेट से थोड़े ज़्यादा, या डिफ़िकल्ट, ये क्वेश्चन मैंने उठा, मतलब ये सारी रेंज मैंने उठाई हैंड तक, ठीक है। तो क्वेश्चन में चाहे टाइम लग रहा हो, आपको कैलकुलेटिव लग रहा हो, अपनी तरफ से आप शांति से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसे अटेम्प्ट करेंगे। कई क्वेश्चन वाकई में टाइम टेकिंग है, तो खुद को दोष नहीं देंगे। एक बार आप खुद ट्राई करेंगे, शांति से ट्राई करेंगे, हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आपके एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे रियल एग्ज़ाम में या मॉक के अंदर,
हम उसे मार्क एंड रिव्यू या स्किप कर देंगे, उस टाइम के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम करेंगे तो हम एक प्रैक्टिस डेवलप करेंगे। जनरली डीआई में बंदा क्या करेगा, कई स्टूडेंट ये करते हैं कि सीधा डाटा पढ़ लेंगे, ये नहीं डाटा को सीधा डाटा पढ़ लेंगे नहीं सॉरी सीधा क्वेश्चन पढ़ लेंगे और फिर देखेंगे कि डाटा में क्या है, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर अप्रोच बताऊंगा, आपको डीआई कैसे अप्रोच करनी है, और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगा कि मेरी हवा बने। मेरी हवा कब बनेगी, मेरी हवा तब बनेगी जब आप पेपर में क्वेश्चन करोगे और आपको ये लगेगा अरे सर ने ऐसे ही बताया था और ये काम कर रहा है, सर मजा आ गया जो आपने बताया था काम कर रहा है, मैं तब मानता हूँ मेरी हवा बनी, क्योंकि जिस काम के लिए हम मिले वो काम सार्थक हो गया। तो जैसे हमें करना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, सच्ची अप्रोच क्या है जो वाकई में चलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन के साथ हम वो प्रैक्टिस करेंगे। तो ईमानदारी से एक बार पहले आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, चाहे आप किसी स्पीड पर इस वीडियो को देख लो, वो आपकी मर्जी। तो आगे बढ़ जाऊं फिर मैं, पेन नोटबुक ले आए होगे तो करो इस क्वेश्चन को ट्राई भाई। देखो तो सबसे पहले तो एक बार ये जो 3D का डायग्राम है, ये मैं आपको समझा दूं मामला क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। देखो द फॉलोइंग ग्राफ शोज द सेल ऑफ फ्यू आइटम्स ऑफ ए गारमेंट कंपनी फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए किसी गारमेंट कंपनी के कुछ आइटम्स की सेल दिखा रहा है। एक बार इसको प्यार से समझते हैं ताकि आगे जब भी ऐसा मामला आए तो आप समझ पाएं। देखो ये है जनवरी, तो जनवरी में कितनी शर्ट बिकी, 3। जनवरी में कितनी ट्राउजर बिकी, ये सारी सेल जनवरी की है, और ये सारी सेट्स ये शर्ट की है, ये ट्राउजर की है, ये तीनों ये कोट की है, ठीक है। जनवरी में कितने ट्राउजर बिकी, 5। जनवरी में कितने कोट बिके, 7। जनवरी में कितने टी शर्ट बिकी, 4। मार्च में कितने कोट बिके, तो मार्च ही ऑरेंज वाला है और कोट इसके सामने है, तो ये 10। ऐसे ही अगर मैं ये देखूँ कि ये वाला 10 क्या है, ये 10 है भाई ग्रे वाला, तो ग्रे वाला है यहाँ पर मई में, अच्छा मई की सेल है ये, और ये इसके सामने क्या है, टी शर्ट है, तो मई में कितनी टी शर्ट बिकी, 10। और ये है मिलियन यूनिट्स में, हल्के में मत लो इस कंपनी को, 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ टी शर्ट बेच दी उन्होंने मई के अंदर, गर्मी का महीना है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसी डेटा को मैं ऐसे भी कर सकता था ना कि जनवरी मार्च और मई, और यहाँ पर मैं कर देता भाई क्या बोलते हैं शर्ट, शर्ट जनवरी में कितनी बिकी, 3, और शर्ट मार्च में कितनी बिकी भाई, मार्च ये सेकंड वाला है 8, और शर्ट 12 बिकी यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ट्राउज़र, मैं ये नहीं बोल रहा आपको ये लिखना है कहीं, ये समझ जाओ, कुछ और बता रहा हूँ। जनवरी में बिकी 5, ठीक है, फिर 5 × 9 = 14 ऐसे। तो इन ए वे है क्या, एक ऐसा डाटा है जो इजीली हम टेबल की फॉर्म में लिख सकते थे, बस उसी को उसने टेबल की फॉर्म में ही लिखा, बस ये 3D फॉर्म में आपको दिखा दिया, अदरवाइज ये टेबल ही तो बना हुआ है। 3 कॉलम यहाँ पर हैं जी ऐसे, और फिर ये ऐसे हैं, टेबल ही बना हुआ है और क्या है। तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, कभी भी DI में कैसा भी डाटा आ जाए, इससे भी अलग कोई भी आ जाए, आपको कभी भी डरना नहीं है, किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, एक बार अच्छे से समझना है। जनरली ये मैक्सिमम डाटा ऐसा होता है कि वो टेबुलर फॉर्म का ही डाटा बस अलग फॉर्म में आ गया, वो एक टेबल की तरह ही है। तो अगर यही डाटा टेबल में होता तो स्टूडेंट इसके कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा रिलैक्स फील करते। क्लियर, ये बात समझ गए, बात सेम ही है, ओके जी। तो अब हमने अपना माइंड सेट कैसा रखना है, फर्स्ट राउंड में हम छोड़ देंगे ऐसे क्वेश्चन को अगर हमें अनकम्फर्टेबल करेगा तो, उसके बाद हम क्या करेंगे, तसल्ली से शांति से डाटा को समझेंगे पढ़ेंगे। तो हम डाटा को समझ चुके हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, करते हैं फिर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सेल ऑफ द लीस्ट सेलिंग आइटम इन 3 मंथ्स, ठीक है, लीस्ट सेलिंग आइटम इन 3 मंथ्स ओवर द टोटल सेल ऑफ द कंपनी, तो जो कंपनी की टोटल सेल है उसका कितना परसेंट है लीस्ट सेलिंग आइटम इन द 3 मंथ्स, इन 3 महीनों में जो लीस्ट सेलिंग आइटम है, ठीक है जी। तो देखें फिर 3 महीनों में लीस्ट सेलिंग आइटम कौन सा होगा, तो इन 3 महीनों के अंदर शर्ट कितनी बिकी, 12 और 8 = 20 और 3 = 23, इन तीनों जनवरी मार्च मई, इन 3 महीनों में लिस्ट सेलिंग आइटम बोला है ना, इन 3 महीनों में शर्ट कितनी बिकी,
12 और 8 20 और 3 23। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करके सॉल्यूशन दिखा करके आपको यहाँ से भाग जाऊँ। मेरा मकसद है वीडियो के एंड में आप ज़्यादा काबिल निकलोगे, ठीक है, और आप ये काम एग्जाम में कर पाओगे। मैं उसी तरीके से चलूँगा। लास्ट बार ये बता दिया, अब करते हैं अपने तरीके से पढ़ाई। तो 9 और 5 13 और 14 27, ट्राउज़र 3 महीनों में 27 भी की। तो सर क्या ये लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा भाई 18 28, ऐसे लिखना पड़ेगा। 20 ठीक है सर, से 13 और 13 26, इन्हीं को जोड़ रहा हूँ मैं, बस और कुछ नहीं कर रहा। तो सबसे लीस्ट सेलिंग आइटम है इन 3 महीनों में टी शर्ट, वो 20 बिका। तो जो लीस्ट सेलिंग आइटम है वो कितना परसेंटेज है टोटल सेल का? तो जोड़ लेते हैं जी सबको। तो सब में 20 तो है ही है, और ये 5 है, तो 20 × 5 = 100। उसके अलावा 7 और 3 = 10 और 8 = 18 और 6 = 24, ठीक है, 124। 2000 है वो कितने परसेंट है 124 का? तो 124 का 10% है 12.4। तो 12.4 12 × 24 है 20% से भी कम है, तो 20% से कम तो एक ही है, 20% से कम तो एक ही है। समझ गए मैंने क्या किया? नीचे वाले का कितना परसेंट है ऊपर वाला, हमने ये निकालना है। तो नीचे वाले का इसका 10% है 12.4। पहले हम परसेंटेज पिरामिड, याद है मैंने आपको परसेंटेज में कराया था कि किसी भी नंबर को देखते ही 100% पता चल जाता है, 10% और 1%, हमें ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं होती। ओके, अगर मुझे 100% पता लग गया तो मैं 100% के मल्टीपल अगली ही स्टेप में, जैसे 50% हो गया, 200% हो गया, इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। 10% पता है तो मैं इजीली 20% 30% अप्रोक्सीमेटली मैं कुछ सेकंड्स में देख सकता हूँ कि ये नंबर 20 से 30 के बीच में है, 30 से 40 के बीच में है, किसके बीच में है। आगे हम ये अप्रोक्सीमेशन करेंगे इसी चीज़ का यूज़ करके। तो खटैक से मेरे दिमाग में आया कि इसका 10% है 12.4, उसका मैंने डबल किया तो 12 का डबल 24 पॉइंट समथिंग, तो ये 24 से कम है ऊपर वाला, यानी कि 20 से कम है, एक ही ऑप्शन है, मार दिया, खत्म। सर मल्टीपल ऑप्शन होते तो आगे क्वेश्चंस में आएंगे मल्टीपल, उसके हिसाब से टैकल करेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाऊँ तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम एग्जाम में? शांति से करेंगे। मैं सीधा इस क्वेश्चन को पढ़ूँ, 20 20, ये देखो भाई कितना 30 सेकंड का क्वेश्चन, नहीं ऐसे नहीं होता, रियलिटी में ऐसे नहीं होता। मैंने दिए हैं बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए हैं, मैंने तो ऐसा नहीं किया जादू वहाँ पर। चलिए जी, एक और 3D डायग्राम। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है DI का? सबसे पहला स्टेप होता है मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँगा, स्टडी द गिवन 3D चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अप्रैल मई जून में है, द चार्ट डिटेल द सेल ऑफ फ्रूट्स, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए वो क्या दिखा रहा है इन डिफरेंट मंथ्स। अच्छा, तो हल्की सी ऐसे नज़र मारता हूँ मैं, ये नहीं नज़र मारता कहाँ पर कितने बिके, मैं जस्ट ये नज़र मारता हूँ कि ये है क्या, कि अच्छा जून में इतने एप्पल बिके, जून में इतने पियर बिकी, तो अलग अलग महीनों में कौन सा फ्रूट कितना बिका, कौन सा फ्रूट किस महीने में कितना बिका। अच्छा ये गिवन है, ये मैं समझ गया। इससे क्या होगा, अब मैं क्वेश्चन अच्छे से समझ पाऊंगा, मैं रिलेट कर पाऊंगा कि मुझे ये करना है। दो दो बार काम नहीं होगा, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ोगे रिलेट नहीं कर पाओगे, फिर समझोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर ये करोगे। पहले डाटा को थोड़ा सा समझ लेना है कि दिया क्या है, कि कौन से महीने में कौन सा फ्रूट कितना बिका, डन। अब अपने दिमाग में है कितना भी बिका वो अब हम कर लेंगे। देखो, इन विच मंथ वाज द सेल ऑफ मेलन्स द लोएस्ट, कौन से महीने में मेलन्स की सेल लोएस्ट थी, एंड बाई हाउ मच वॉज इट मोर देन द सेल ऑफ द ऑरेंज इन दैट मंथ, और ये उस महीने में ऑरेंज यानी कि संतरों की जो बिक्री थी उससे ज्यादा थी, ठीक है भाई। ओके, तो मेलन कहाँ पर है, ये रहा। तो मेलन की सेल कौन से महीने में सबसे कम थी, तो अप्रैल में जो मेलन की सेल है, मेलन है ये हरा हरा, तो ये एंड में हरा हरा खड़ा है, देखो ये ब्लू ऑरेंज ग्रे ये सारे अप्रैल को दर्शाते हैं, ये ब्लू वाला एप्पल को, ये पियर को, ये पीच को, एग्जाम में ऐसे ही था डायग्राम। तो सबसे एंड में ग्रीन वाला अगर नहीं दिख रहा था, पेपर में भी नहीं दिख रहा था उतने हिसाब से, ये ग्रीन वाला है भाई। तो अप्रैल में 33 थी, फिर उसके बाद ग्रीन की इतनी थी, फिर इसकी 20 थी, तो मेलन की सबसे कम सेल जो है वो है जून में, तो जून वाला होएगा एक तो उत्तर। उसने पूछा भाई कौन से महीने में सबसे कम है, तो मैंने देख लिया जी जून में है। ओके, और बाई हाउ मच वाज इट मोर देन द सेल ऑफ द ऑरेंज, उस महीने में जो ऑरेंज की सेल थी उससे ये कितनी ज़्यादा है, तो उस महीने में ऑरेंज ये है ब्लू, ये 1 2 3 तीसरे वाला, यानी कि ये वाला 1 2 3 पीछे से तीसरे वाला ये ऑरेंज, ठीक है, रंग ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज रंग येलो है, तो इससे कितनी ज़्यादा है, तो 17 से कितनी ज़्यादा है भाई साहब, 3 ज़्यादा है। तो आंसर इज ऑप्शन बी।
तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? ये इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि जस्ट डेटा पड़ा हुआ है, हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे कि नहीं, पढ़ ही रहे हैं बस डेटा को, और क्या कर रहे हैं। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर टू। अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। ये स्टार्टिंग में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि पहले उसने ऐसे 3D में नहीं दिखाया था और ऐसे उसने नहीं यूज़ किया, कमी 3D में तो यूज़ ही नहीं किया, ठीक है, ताकि आप वीडियो की इंपॉर्टेंस समझें। पढ़ें, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है जी। द पाई चार्ट शोज द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने क्या किया। तो जैसे 9% बंदों ने PhD ले ली, 4% ने MPhil ले ली, पोस्ट ग्रेजुएशन 39 ने ले ली, ठीक है, अदर ले लिया 48 ने। एक बार आपको डाटा समझा रहा हूँ, और ये जो अदर है, ये सारा है अदर, इसको ऐसे करके अलग से इसका ब्रेकअप दे दिया, अलग से इसका ब्रेकअप दे दिया। अब इसका ब्रेकअप भी दो तरीके से दिया जा सकता है, कैसे, देखो उसने ये बता दिया कि ये अदर 48% है। अब देखो ये अदर उसने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक तो है 34%, एक है एंटरप्रेन्योर बन गए 14%। तो 34 और 14 कितना हो गया, 48, इन दोनों का सम कितना हो गया, 48, ये भी 48 था, यानी कि कुल मिलाकर ये जो परसेंटेज ब्रेकअप दिया है ना, देखो ये 48 था, जो टोटल स्टूडेंट है उनका 48%, जो टोटल स्टूडेंट हैं उनका 9% PhD कर रहे हैं, 4% MPhil कर रहे हैं, 48% कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस 48% को दो हिस्सों में बांट दिया, ये भी टोटल का ही है, इनका सम भी 48 ही आ रहा है, तो ये भी टोटल का जो 34% है वो अदर वन कर रहे हैं, और जो टोटल का 14% है वो एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं। इसको एक और तरीके से एंटरप्रेन्योर बने हैं, एंटरप्रेन्योर बने हैं, ठीक है। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, वो ऐसे भी बोल सकता था कि ये है जी 70%, ये है 30%, तो ये तो सर 100 बन गया, यहाँ पर 48 है। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि 48 का 70% ये वाला काम कर रहे हैं और 48 का 30% ये वाला काम कर रहे हैं। तो मुझे 48 का 70% निकालना पड़ता कि टोटल का कितना परसेंट बन रहा है ये, ठीक है। इसको गुणा करता 7 से और एक के बाद पॉइंट लगा देता, इसको 3 गुणा करता और यानी कि गुणा में 30/100, ठीक है। तो ये ऐसे भी कर सकता है, ठीक, समझ में आ गई। जो पॉसिबिलिटी है वही मैं बता रहा हूँ, जो रिलेवेंट पॉसिबिलिटी है, ओके भाई अब करें। लेकिन उसने किया नहीं है, उसने सिंपली क्या किया, इस 48 को दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो डायरेक्ट यहाँ पर दे देता इस चीज़ को, 34-14 करके तोड़ देता, बस ऐसे डिस्प्ले कर रहा है, ये देखना चाह रहा है आप इस तरीके से डाटा गिवन हो तो पढ़ पाओगे कि नहीं। अब देखते हैं, विच टू कंबाइंड हैव सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज दी अदर, कौन से दो में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट है एज दी अदर, अदर अदर बोले तो ये वाला अदर जितने स्टूडेंट कौन से दो में, यानी कि 48% स्टूडेंट कौन से दो में है, तो PG और MPhil, तो कहाँ है PG और MPhil बने क्या, 39 और 4 43 बन गए, 48 तो नहीं बने, ठीक है जी। एंटरप्रेन्योर और PhD 14 और 9 23 बन गए, नहीं बने जी। एंटरप्रेन्योर और PG 14 और 39 53 बन गए ये तो, ठीक है जी, नहीं बने। दिस इज द आंसर ब्रो, PG और PhD, PG और PhD देख लो 48 बन गए, समझ में आ गई बात, क्लियर है, हैज द बात कम इन टू द समझ। आगे बढ़ जाऊं मैं, ये करो अब शांति से, देखो मैं आपको बोल ही नहीं रहा 30 सेकंड में करो, क्यों करे 30 सेकंड में, टाइम होगा हमारे पास एग्जाम में, होगा, देश जहां का टाइम नहीं है बट इतना टाइम है कि क्वेश्चन को समझ के जितना वो टाइम का क्वेश्चन है उतना टाइम उसको दे दे, शांति से समझ के करो, अननेसेसरीली खुद को अंडर कॉन्फिडेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। कंसिडर द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन 3 कैटेगरीज, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड इन 4 कंपनीज ABCD इन द ग्राफ बिलो। तो इसने बताया है कि कंपनी है भैया ABCD, अच्छा ये कंपनी है, और इसमें कितने स्किल्ड है, कितने सेमी स्किल्ड है, कितने अनस्किल्ड हैं, उनकी परसेंटेज बता रखी है। अच्छा अगर मैं आपको बोलूँ कंपनी ए में ये 30% तो है स्किल्ड, ब्लू वाला स्किल्ड को रिप्रेजेंट करता है, 40% है सेमी स्किल्ड और 30% है अनस्किल्ड, तो 40 और 3 70 और 30 100, ये 100% टोटल, देखो ये 100% हो गया, टोटल जितने भी बंदे हैं 100% उसका 30% स्किल्ड, 40% सेमी स्किल्ड, 30% अनस्किल्ड, यानी कि ये बता रखा है। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इतनी डिटेल में आपको नहीं करना, बस मैं आपको डाटा समझा रहा हूँ,
ये चीज़ें दिमाग में होती है तो फास्ट होती हैं, होट स्लो हैं दिमाग से, है ना। तो हमें डाटा समझना अच्छा कि कौन सी कंपनी में कितने कितने किस तरह के बंदे हैं परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है जी, ठीक है। और ये परसेंटेज किस चीज़ की होगी, ये परसेंटेज होगी कि कंपनी ए में कितने बंदे हैं टोटल, उसकी परसेंटेज, कंपनी बी में टोटल कितने बंदे हैं उसकी परसेंटेज, ये ऐसा होएगा, ठीक है जी। क्या बोल रहा है वो, इफ ऑल दी कंपनीज हैव सेम नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स, तो सारी कंपनियों के जो टोटल वर्कर हैं वो सेम है। अच्छा, यानी कि ये भी सेम नंबर की परसेंटेज है, ए के टोटल वर्कर सेम है ए बी सी डी के, यानी कि ये भी सेम नंबर की परसेंटेज है, ये भी सेम नंबर की परसेंटेज है, ये भी सेम नंबर की परसेंटेज है, यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर इनको जोड़ने की घटाने की कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि सेम वैल्यू की परसेंटेज है। ओके, देन द कंपनी खालिस्तान हैज द, मैंने एक वीडियो में खालिस्तान बोल दिया था ऐसे ब्लैंक, एक बंदा बोल रहा है कि वो पंजाब वाले खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक होता है वो है। इफ द कंपनी खालिस्तान हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, कौन सी कंपनी के अनस्किल्ड वर्कर हाईएस्ट हैं, अनस्किल्ड बोले तो ये ग्रे वाले, तो साफ साफ दिख रहे हैं 45, यानी कि कंपनी बी कोमा, एंड द कंपनी खालिस्तान हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर, तो स्किल्ड बोले तो ब्लू वाले, लोएस्ट किस में है भैया, क्योंकि सेम वैल्यू के परसेंटेज है 25, बी में ही है, तो अपना उत्तर हो जाएगा बी और बी, अपना उत्तर हो जाएगा बी और बी, बी बी की वाइंस, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। हाँ भाई, एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है, कुछ नए चैनल जो है वो खोले हैं, दूसरे यूट्यूब चैनल, और इम्पोर्टेंट चैनल है, पहले भी एक चैनल खोल रखा था बट उसके बारे में मैं नहीं बताता था क्योंकि बाद में उसके ऊपर कंटेंट डालना बंद कर दिया था, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है। देखो, अपना मेन चैनल तो है ही जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, एक तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो आप, कई बच्चे ऐसी ऐसे कंटेंट के बारे में बोलते रहते हैं जो पहले ही डाल रखा है, वो वाला चैप्टर करा दो वो वाला, बिकॉज सब्सक्राइब नहीं कर रखा, नोटिफिकेशन नहीं जा रही होगी, ठीक है। तो ये तो मेन चैनल हो गया जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हो, अपना सबसे बड़ा चैनल। दूसरा ईवन कोचिंग सेंटर 2.0, इसके ऊपर अभी कंटेंट आने लगा है, और देखो क्या क्या कंटेंट आया हुआ है, कई बार गाइडेंस की वीडियो वहाँ पर डालता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो तुरंत ही डाल चुका हूँ, और रीजनिंग के सीजीएल 2023 में पूछे टॉप 200 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का एक नया कंसेप्ट पूछा गया था पहली बार, तो डिविजिबिलिटी है यहाँ पर, इलेक्शन वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये रिसेंट पिछले 5 दिन 7 दिन ये इतनी वीडियोज वहाँ पर डल चुकी हैं, तो काम की वीडियो डल रही है, ठीक है। और एक और चैनल है भूतेश सर शॉर्ट्स नाम का, तो इसमें मैंने क्या सोचा है, जो मैं गाइडेंस के शॉर्ट बनाता हूँ ना कई बार, बट आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको मैं 1 मिनट के अंदर ही बता सकता हूँ, इतना छोटा उसका सॉल्यूशन होता है, तो मैं वीडियो बनाने की बजाय शॉर्ट बना देता हूँ, तो मैं इन्हीं चैनल्स पे डालता था, अब मैंने सोचा उन सारों को एक चैनल पर इकट्ठा कर देते हैं, वहाँ पर सिर्फ इस तरह की वो हो जाएगी गाइडेंस, तो भूतेश सर शॉर्ट्स नाम का एक चैनल हो गया। तो ये दोनों चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कंटेंट को मिस ना करें, ठीक है गाइज। 5 नंबर क्वेश्चन बताओ भाई, गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट मार्क्स ऑब्टेंड बाय रिया एंड रीदा इन 6 सब्जेक्ट्स ऑफ 12th एग्जाम ऑफ CBSE, उसने जैसे भी लैंग्वेज लिखी मैंने ऐसे ऐसे ही लिख दी, CBSE की 12वीं क्लास के बारे में बात कर रहा है, रिया और रीदा ने जो लिए, रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ऑब्टेंड, इनके कितने मार्क्स आए ये बता रहा है, ठीक है जी। तो देखो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, अच्छा जैसे ये मार्क्स आए कितने, 70, ये 60 और 80 के बीच में है ना, ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसे दिख नहीं रही, आगे से मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का भी, जैसे लाल वाले रिया के हैं ब्लू वाले रीदा के हैं, तो मैं इतना समझ गया कि कौन से सब्जेक्ट में दो लड़कियों के किसके कितने मार्क्स आए दिए हैं, इतना मोर देन एनफ है। अब मैं देखता हूँ, मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज 140, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स 140 है, ठीक है जी, वेरेज मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश IP एंड बायोलॉजी 180 है, ठीक है जी, टेंशन नहीं ले ली, ध्यान से देखते हैं कि क्या पूछा है। व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेंड बाय रीदा, बोले तो ब्लू वाली लड़की, इन PCM यानी कि मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में 140 थे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक, एक झंझट तो कम हुआ, तो तीनों में 140 थे, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए,
140 इंटू 3 420 हो गए टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हो गए 420। ओके, कितने मार्क्स आए ब्लू वाले के? तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्टिंग में ही है तीनों, ये हो गया जी 80, 80 फिर हो गया 100 और फिर हो गया अपना 130। ठीक, 0, 8 और 3, 11, 310। अगर आपको ऐसे लिख के भी करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर ऑलरेडी ऐसे लिखा होता ना कि ये 80 है ये 100 है, तो फिर तो वैसे भी हम जोड़ लेते 210 और 80, ऐसे 290 बन रहा है यार यहाँ पे तो। अच्छा ये एक, अच्छा ये ब्लू वाला है 110 नहीं है, ये 130 है। ओके 310, तो 310 कितना परसेंटेज है? तो सबसे पहले अब मैं क्या देखूंगा, हम ऐसे भी देख सकते थे जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको दिखाऊं, ये अगर ये 125 होता तो नहीं बन रही थी ना बात, 20 छिक्के यानी कि ये 16 से थोड़ा ज़्यादा, ऐसे भी हम देख सकते थे। जो भी एप्रोक्सीमेट करने का बेस्ट तरीका होगा वही देखेंगे। तो इसका 10% देख रहा हूँ मैं, 4.2, तो 4.2 का कितने गुना है ये? ठीक है, 4 का देखो, 4.2 का नहीं, 4 × 7 = 28 शायद 7 समथिंग, लेकिन 71.43, 78.57, तो ठीक है जी करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 70% निकाल लेता हूँ, मैं गुणा में 100 भी कर सकता हूँ, अभी मैं 70% निकाल लेता हूँ इसका। तो 7 × 14, इसके 10% को मैं 7 गुणा कर दूँ तो 7 × 14, 7 × 28 और 1 = 29। ठीक है, तो ये कितना हो गया जी 29.4। तो 29.4 से ये कितना ज़्यादा है? तो ये ज़्यादा भाई 30 से ये 0.6 कम है, और 30 से तो 1.6 ज़्यादा है ये। तो मैं ये देखूँगा 1.6 के लिए मुझे कितना परसेंट चाहिए, तो इसका 1% है 0.4। वैसे मेरे को 0 नहीं हटानी चाहिए थी, अच्छा रहता है ये कैलकुलेशन करने में, 0.4। तो 0.4 इसमें कितनी बार आएगा, ये 0.4 का 4 गुना है लगभग, है ना, तो लगभग लगभग 4% के आसपास है, 4% से थोड़ा कम ही है। तो कितना हो गया यार, ये तो गड़बड़ होगी, ऐसे कैसे हो गया, 0.41% है, 4 × 16, 4 गुना होना चाहिए, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 7 × 14, 7 × 28 और 29, 0.6। एक बार वैसे कैलकुलेट करके देखूं, होना तो नहीं चाहिए ऐसे। और एक और बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप अप्रोक्सीमेशन में अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे अप्रोक्सीमेशन में अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए भाई, हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, बट कई बार ऐसा होएगा कि अपने ऑप्शन में नहीं है, हम नहीं हो सकते अनकंफर्टेबल, हमें आनी चाहिए। ठीक है जी करते हैं, तो 42 × 7, 7 × 14, 7 × 28 और 29। ठीक है, तो ये बच गया भाई 16 और 0 कितने पर जाएगा, ये 3 पर जाएगा लगभग, 3 × 6, 3 × 12, 73 point something बन रहा है। मैंने कोई जोड़ने में गलती कर दी क्या, देखते हैं भाई, किसके पूछ रहा था ये भाई, रीदा के पूछ रहा था ना, रीदा के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पूछ रहा था, यानी कि ब्लू वाले के तो 80 हो गए, और यहाँ पर ब्लू वाले के 100 हो गए, और यहाँ पर 130 हो गए, 80, 100, 130। तो 0, 8 और 3, 11, 310 ही किया मैंने, 310 बटे में मैक्सिमम मार्क्स थे 140, 420 किया, और वो इसीलिए अप्रोक्सीमेशन में आ नहीं रहा था क्योंकि ये हो नहीं रहा, यहाँ पर बच गया है जी 34, है ना। तो चलो भाई, पता नहीं मेरे से कैलकुलेशन में गलती हो गई या यहाँ पर टाइपिंग में कोई मिस्टेक है, जो भी है, हैं शायद इसका उत्तर सी है एक्चुअल, क्योंकि मैंने यहाँ पर उत्तर लिख रखे हैं। तो लेट आप देख लोगे ये चीज़, कमेंट करके बता देना क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 6, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी, है ना, ये बताओ, इन विच ईयर वाज देयर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज। तो ऐसे है, तो अब मैं डाटा पढ़ूंगा, सीधा क्वेश्चन आ गया, एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स इन करोड़ ऑफ रुपीज, पर्ल्स यानी कि मोती का एक्सपोर्ट किया गया है करोड़ों रुपयों में। ठीक है, 2013 में इतने करोड़ के, 14 में इतने करोड़ के, यानी कि अलग अलग साल में कितने रुपयों के मोती एक्सपोर्ट हुए, समझ गए हम, समझ गया, ऐसे आना चाहिए मन में। ठीक, आगे, इन विच ईयर वॉज देयर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स टू दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर, कौन से साल में मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज है उससे पहले वाले साल के कंपेरिजन में, देखते हैं। देखो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट है, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, या तो चारों का ऑप्शन वाइज देख लो, क्योंकि ऑप्शन 4 ही है, यहाँ पर कई बार क्या होता है ज़्यादा बार देखना पड़ता है,
कई बार यहाँ पर भी देखो, एक बार इंक्रीमेंट, दो बार, तीन बार, चार बार, चार ही है। ये भी ध्यान रखना, मान लो यहाँ पर 6 बार इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑप्शन ये वाले 4 हैं, इन्हीं 4 में से उत्तर होएगा तो मैं यही वाले चेक करूँगा। तो 2018 ऐसे ही देख लेता हूँ पहले, 18 में पिछले साल के कंपेरिजन में कितने का इंक्रीमेंट हुआ। पॉइंट को भूल जाओ जी, पॉइंट को भूल जाओ, 65 और 95 मान लो 30 का इंक्रीमेंट 65 पर, ठीक है जी। देखो इसके आधे से थोड़ा सा कम, 50% के लगभग का, 14 में, तो 14 में इंक्रीमेंट हुआ भाई 99 और 108। मान लो ये 100 से 1 कम है, ये 100 से 8 ज़्यादा है, तो 9 का इंक्रीमेंट 99 पर। तो ये तो लगभग लगभग 10% समथिंग है, ये तो 50% समथिंग है, ये बड़ा है। ओके भाई, 17 में यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है 13 का 52 पर, कौन ज़्यादा परसेंट है। अब ये देखो, ये 1/4 है, 25% है। अलग अलग तरीकों से कंपेयर करेंगे फ्रैक्शन को, जहाँ पर जो सूट करेगा, अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, रटा हुआ काम नहीं आएगा। 25% है, ये तो 50% के लगभग था। 19 में हो गया भाई, ये 100 से 5 कम है, वो 100 से 14 ज़्यादा है, 19 की बढ़त होगी 95 पर। अब देखो यहाँ से जो बढ़त है वो इंक्रीमेंट तो कम है और नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है, परसेंटेज में देखना है ना हमने, यानी कि बड़ी वैल्यू पर इंक्रीमेंट हुआ है, बड़ी वैल्यू का सेम परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, 95 पर बढ़त हुई है, परसेंटेज में सेम चाहिए तो बड़ी चाहिए, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसके कारण एक तो ये फ्रैक्शन छोटी होगी, और ऊपर से न्यूमरेटर छोटा है, इसके कारण भी छोटी होगी, बहुत ज़्यादा छोटी है। वैसे 19 5 95, क्या सोच रहा था मैं, 20%। ठीक, तो दिस इज द आंसर 2018 वाला, ऑप्शन वाइज हमने चेक किया था ना। ठीक ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 7। और सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आए हैं, इस वीडियो में 20 ही करवा रहा हूँ 139 में से, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, इनमें आप शांति से परफॉर्म करना सीख जाओगे तो वहाँ पर आप 4 के 4 क्वेश्चन DI के कर दोगे, फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकंड राउंड में कर दोगे, वही चाहिए हमें, 8 नंबर हैं सीधे। पढ़ें, द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय 5 स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, क्या दिखा रहा है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो ये परसेंटेज है 60%, 90%, 70%, 80%, ऐसे करके। ठीक है, ओके जी, या फिर मैं ये अभी हटवा देता हूँ, अब एक मिनट रुको। हाँ जी, तो हो गया ना, द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय 5 स्टूडेंट, परसेंटेज दिखा रहा है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके जी, तो मुझे पता है राम के कितने परसेंट मिले, ठीक है, स्टडी द टेबल, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आर गिवन बिसाइड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास जो दिए गए हैं ये मैक्सिमम मार्क्स है, यानी कि फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स हैं 300, मैथ में 300, म्यूजिक में 100, और इस 300 का 60% है, ये 90% है, क्लियर है। ओके जी, ओके, व्हाट आर द मार्क्स इन परसेंटेज ऑब्टेंड बाय मोहन, मोहन के परसेंटेज में कितने मार्क्स आए हैं, व्हाट आर द मार्क्स इन परसेंटेज, तो मोहन के ओवरऑल कितने परसेंट मार्क्स बने। तो इसको मैं बहुत सारे फैंसी तरीके से भी हम कर सकते हैं, इन दोनों के 300 हैं ऐसे करके कॉम्प्लेक्स कर दूं, लेकिन अल्टीमेटली उनसे फायदा नहीं हो रहा, जिस चीज़ से फायदा होगा मैं सिखाऊंगा, उसे फायदा नहीं हो रहा था क्यों सिखाएं, बर्डन नहीं डालना, सिंपली कर लो कि टोटल कितने मार्क्स का है मामला, टोटल कितने मार्क्स का है, 300 और 300, 600 700 800 और 2000, 1000 नंबर में से कितने आए, तो 300 का 80%, तो इसको दो तरीके से देख सकते हो, 100 का जितना भी परसेंटेज लेते हो वो वही होता है, तो 200 का जो भी परसेंट ले, मान लो 100 का 80% ले रहे हो, 80 ही होगा, तो अगर 200 का 80% लोगे तो बिकॉज 200 100 से डबल है,
80 का डबल हो जाएगा 160, 300 का लोगे 80 का तीन गुना हो जाएगा 240, या तो ऐसे देख लो। और हमें ये भी पता है कि ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए, इसको भी ध्यान रखो डीआई में, कि 300 का 80% देख लो या 80 का 300%, एक ही बात है। 80 का 300% थोड़ा ईजी पड़ेगा आपके दिमाग पे, क्योंकि 300% यानी कि तीन गुना, 80 का तीन गुना 240, ठीक है गाइस, 240 हो गया। ओके जी, मैं इनको क्लब भी कर सकता था कि 300 का इनकी एवरेज बन जाएगी 70% फलाना ढिमकाना, वैसे करने की जरूरत नहीं है ना भाई, इतना अननेसेसरी बर्डन लेने की। 300 का 60% या 60 का 300%, 60 का तीन गुना, ठीक है जी, तो 70 का 100%, 70, ठीक है, 95 का 100%, 95, या फिर 100 का 95%, 95, ठीक है, इसका 160, 80 का 200%, ठीक है जी। तो इनको जोड़ दूँ यहीं पर, 5, 8, 4, 12 और 7, 19 और 9, 28 और 6, 34, 3 और 1, 4 और 1, 5 और 2, 7। तो परसेंटेज होता है 100 में से कितने मार्क्स हैं, एक जीरो हटा के पॉइंट लगा दिया, 74.5% मार्क्स। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये करने में जितना टाइम लगेगा ना, उतना लगेगा, ये क्वेश्चन उतना डिजर्व कर रहा है, इसको उतना टाइम चाहिए। अब समझ रहे हो, मैं ये नहीं बोल सकता, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये सारा काम कर दो 10 सेकंड में। एग्जैक्टली मैंने टाइम लेकर मापा तो नहीं है, बट मेरे ख्याल 30-40-50 सेकंड कुछ तो लग ही रहे होंगे, ये जो भी हम ये काम कर रहे हैं, ये काम नॉर्मल स्पीड पर करने में, तो उतना टाइम लगेगा। अननेसेसरी बर्डन मत लो कि इसको 5 सेकंड में कर डालूं, ये कर डालूं। भाई चीज़ों को समझना भी होता है, क्वेश्चन पढ़ना होता है, ये देखना होता है, लिखना होता है, जोड़ना होता है, उनमें जितना टाइम लगेगा वो लगेगा, ठीक। ओके, तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इतने स्टेप करने पड़ेंगे, समझ गए हम। आगे बढ़ जाएं, 8वां क्वेश्चन नंबर 8, ये लो भाई। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स इन थाउजेंड्स ऑफ मैगजीन्स फ्रॉम 6 ब्रांचेस ए बी सी डी ई एंड एफ ऑफ ए पब्लिशिंग कंपनी। अब मैं इसके ऊपर नजर मारूंगा 21-22 में, कि भाई सेल्स दिखा रहा है थाउजेंड में, तो 21-22 यानी कि 2 सालों की दिखा रहा है। 21 में ए ब्रांच से कितनी सेल हुई, बी से कितनी सेल हुई मैगजीन की, तो यानी कि 2 साल हैं, कौन से साल में कितनी मैगजीन बची, बिकी किस ब्रांच से, ठीक। अब मैं समझ गया, ए से 21-22 में कितनी बिकी, बी से 21-22 में, सी से 21-22 में, डी से 21-22 में, मैं समझ गया 2 साल की दे रखी है। अब हम देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांचेस ए बी एंड सी इन 2022। ध्यान से समझना, 2022 में एबीसी की जो एवरेज सेल थी उसका कितने परसेंट है, क्या इसका ये बेस है, इसका कितने परसेंट है, क्या एवरेज सेल ऑफ ब्रांच ऑफ एसीएफ, ये यानी कि ये जो सेकंड वाली वैल्यू है, ये दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ, ये जो पहले वाली वैल्यू है, ये एबीसी की 2022 में जो एवरेज सेल थी, एक बार फिर से लिखता हूँ, एबीसी की 2022 में जो एवरेज सेल थी उसका कितने परसेंट है एसीएफ की 2021 की एवरेज सेल, इसका कितने परसेंट है। ये हिंदी में क्या दिया होगा कि ये जो है ये कितना प्रतिशत है इसका, यानी कि ये बेस है। ओके जी, निकाल लेते हैं। अब एक बात है, यहाँ पर भी तीन चीज़ों की एवरेज है, तीनों का सम बटे तीन, यहाँ पर भी तीन चीज़ों की एवरेज है, तीनों का सम बटे तीन, तो हमें एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, है ना। और एक चीज़ दूसरे की कितने परसेंटेज है ये निकालनी है, तो सिर्फ उनका रेशियो निकालने की जरूरत है, निकाल लेते हैं जी। ओके, तो इसका कितने परसेंट है देख लेंगे, एबीसी 2022 में, 2022 यानी कि ऑरेंज वाला, अब मैं आऊँगा एबीसी ध्यान से देखूंगा, ऑरेंज वाला 105 और 65, 170, 170 और 100, 270 और 10, 280, यानी कि 280 का कितने परसेंट है, तो 280 का कितने परसेंट है ऐसे बोल रहा है, तो 280 को नीचे लिखूंगा ना, बटे में तीन नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों में बटे तीन करूंगा तो वो कैंसिल आउट ही हो गया, ठीक है। ए सी एफ इन 2021। अब एक बात बता दूं, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है मेंटली करने में, लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक होना चाहिए, 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर मारा मारी होगी टाइम की मैं बता दूंगा। ए सी एफ, तो ए ब्लू वाला 80, सी क्योंकि गलती हो जाएगी कई बार, ए बी सी जोड़ दोगे आप लोग, तो लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 80 और 95, 109, 8, 17, 175 एफ, 175 और 70 तो ये हो जाएगा 7 और 245, तो 245 इज व्हाट परसेंट ऑफ 280 ऐसे बोल रहा है भाई वो,
काट पीट लूँ क्या? 5-4 और तो क्या रहा, काट पीट ही लेता हूँ एक बार। तो 5 × 20, 5×9 = 45। अच्छा 7 से बिगड़ जाएगा, मज़ा आ गया फिर तो। हैं 5×2 = 10, इसको मैं काट रहा था। 7 × 7 = 49, 7 × 28, तो 7/8। तो ये कितना परसेंट है? तो 7/8 तो हमें पता ही है, 87.5%। मेरे को लग रहा था कटेगा नहीं, चलो कट गया। 7/5, 7/8 पता है ना, 87.5। आगे बढ़ जाऊँ, ये बताओ भाई। एक मिनट। हाँ जी, तो करते हैं सॉल्व एक बार, पढ़ो। द फॉलोइंग ग्राफ, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे दिया हुआ है, कोई नहीं मैं समझा दूंगा। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द प्रोडक्शन इन 1000 ऑफ टू टाइप्स ए एंड बी ऑफ कार्स बाई ए कंपनी, तो इन 2016 to 2021। तो 2016 से 2021 तक दो टाइप की कार हैं ए और बी, उनकी हजारों में जो प्रोडक्शन हो रही है, जैसे टाइप ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू वाला, 100, 150 ऐसे करके है, ठीक है जी। दो टाइप की कार हैं, अलग अलग साल में कितनी प्रोड्यूस हो रही है, ये मेरे को बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, बट ये स्टेप ज़रूरी है। आप मेंटली ऐसे समझेंगे तो कम ही टाइम लगता है, 3-4 सेकंड में समझ जाते हो आप। ओके, इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार्स मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ कार, कितने सालों में, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स, कितने सालों में जो टाइप ए कार की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है किससे? एवरेज प्रोडक्शन ऑफ, किसकी एवरेज प्रोडक्शन? दिस टाइप ऑफ कार, यानी कि टाइप ए कार की एवरेज प्रोडक्शन। तो टाइप ए कार की एवरेज प्रोडक्शन मुझे देखनी पड़ेगी, उसकी एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो देखते हैं भाई, टाइप ए बोले तो ब्लू, तो निकालते हैं, ये है ब्लू वाली, 100, 125, 150, 200, तो मैं जोड़ ही लेता हूँ। और ऐसा कंटेंट है, ऐसा डाटा है कि जुड़ जाएगा मेंटली, 100 और 125, 225, या फिर आप लिख के भी कर सकते हो, 225, 375, 575, 500 और 200, 775 और 50, 625, 625 और ये 1025। डिवाइडेड बाई कितने साल हैं भाई? ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल है, 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, 6×6, 6×7=42, 170.5/6 यानी कि 83.33 होता है, 170.83। तो 170.83 से कितने में कम है? 1, 2, 3 सालों में, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बच्चों को ये लगेगा सर ये ऐसे बढ़ी रहा है ना, तो एवरेज लगभग यहाँ पर आएगी, तो 3 छोटे हैं 3 बड़े हैं, ऐसे मत करना। देखो कई में सीधा दिख जाता है, कई में नहीं दिखता है, कई में जब आप सोल्व कर लेते हो तो दिखता है। तो जो चीज़ सोल्व करके दिखी वो क्या दिखी, लाइक उस वो क्या दिखी, जो डायरेक्टली दिख सकती हो, ऐसी भी आती हैं चीज़ें, तो उसमें हम ये करेंगे, हम ऐसे स्टंट नहीं मारेंगे, क्लियर है? जो दिख रही है वो दिख रही है, क्योंकि रिस्क तो है ना, क्या पता वो 149 point something हो जाए या फिर 201 point something हो जाए एवरेज, फिर 4 आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी भाई, ऐसे हो जाता है। आगे बढ़ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 10, The given table shows the marks obtained by 100 students out of 50 marks in mathematics, and physics in an exam. कि 100 student के marks दिखा रहे हैं out of 50, तो एक बार table पढ़ते हैं। 40 और above, math में 40 से ज़्यादा 9 बंदों के marks आए, 30 से ज़्यादा 32 बंदों के marks आए, 20 से ज़्यादा 80 बंदों के marks आए, 10 से ज़्यादा 92 बंदों के marks आए, और 0 से ज़्यादा तो सबके ही आएंगे, तो ये 100 के 100 बंदे आ गए। एक बार ये बार बार यूज़ हो रहा है ये पैटर्न, फिर भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखो ऐसे बोल रहा है ये,
मान लो ये नंबर लाइन है, ये 0 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं और ये 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, ओके जी, और ये क्या क्या है, 10, 50 मार्क्स है ना मैक्सिमम, आपको शांति से समझाता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। मैंने ये बोला कि 40 से ज़्यादा मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 40 से ज़्यादा वाले, यहाँ पर 9 बच्चे खड़े हैं, मैंने ज़मीन पर यह चीज़ बना दी, मैंने बोला 40 से ज़्यादा वाले, ये 40 के आगे खड़े, यहाँ पर 9 बच्चे खड़े हैं, तो 40 से ज़्यादा वाले का मतलब है कि 40 से ज़्यादा वाले, किसी के 41 हैं, किसी के 42 हैं, मैंने बोला जिसके जितने मार्क्स हैं ना, मैंने ऐसे नंबर बना दिए 0, 1, 2, 3 ऐसे 50 तक, मैं कहा जिसके जितने मार्क्स हैं ना यार खड़े हो जाओ, खड़े हो गए बच्चे हैं, ओके जी। फिर 30 से ज़्यादा वाले, तो 30 से ज़्यादा वाले 32 हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 32 बच्चे खड़े हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 32 में से 9 गए, अगर ज़रूरत पड़े तो 23 ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 30 से 40 के बीच में है। हालांकि इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, ये समझना ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले। 20 से ज़्यादा वाले बच्चे, तो 20 से ज़्यादा वाले बच्चे हैं 80, तो मुझे पता है 20 से आगे 80 हैं और 30 से आगे कितने हैं 32, तो 80 में से 32 घटा दूँ, 48, यहाँ पर 48 बच्चे होंगे। ये रटने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे करके रट लेंगे ना, आप समझ गए ना, मतलब समझ गए ना, 20 से ज़्यादा वाले हैं ये जी, ये 30 से ज़्यादा वाले हैं, 80 में से 32 गए, ये 20 और 30 के बीच वाले बच जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो हम निकाल सकते हैं। इसी कारण 0 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे 100 आ जाते हैं, क्योंकि 0 से ज़्यादा तो सब ने स्कोर किए होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऐसा मान लेते हैं, नहीं तो नेगेटिव में भी स्कोर आ जाता, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब कर लूँ मैं क्वेश्चन, ओके, इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परसुइंग हायर स्टडीज इन फिजिक्स, फिजिक्स में 60% मार्क्स चाहिए हायर स्टडीज के लिए, ठीक है जी, हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी एलिजिबल टू परसू हायर स्टडीज, कितने बच्चे हायर स्टडी कर पाएंगे, यानी कि 60% से ज़्यादा कितनों के आएंगे, तो टोटल मार्क्स हैं जी 50, 50 का 60% कितना होता है, 50 का 60% हो जाएगा, या फिर 60 का 50% ले लो, 50% यानी कि आधा, तो ये हो जाएगा 30, तो 30 या 30 से ज़्यादा फिजिक्स में, तो फिजिक्स में 30 और अबव 21 बच्चों के आए हैं, तो 21 बच्चे हैं, आंसर विल बी ऑप्शन डी। यहाँ पर कई बच्चे ये ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं कि 30 से ऊपर तो 21 के आए हैं और 40 से ऊपर 4 के आए हैं, 21 और 4 जोड़ के 25, हालांकि ऑप्शन में नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे भाई 30 से ऊपर मार्क्स आए हैं टोटल 21 बच्चों के और 40 से ऊपर मार्क्स आए हैं टोटल 4 बच्चों के, तो 21 में से 4 गया 17, 17 ऐसे बच्चे हैं जिनके 30 से 40 के बीच में मार्क्स आए हैं और 4 ऐसे बच्चे हैं जिनके 40 से 50 के बीच में आए, तो ये टोटल 21 ही हैं, 30 से ऊपर वाले 21 ही हैं, यहाँ पर 30 से ऊपर वाले सारे हैं, यहाँ पर 20 से ऊपर वाले सारे हैं, ठीक, क्लियर है, बढ़ जाएं आगे। तो एक क्वेश्चन कैसा था, अगर हम पढ़ें आराम से समझें, तो बहुत ज़्यादा देर का क्वेश्चन नहीं है, बस समझाने की ज़रूरत है इसलिए मैं बस समझा रहा हूँ, और ये अपनी टीम है भाई जो साथ के साथ क्वेश्चन को करेक्ट कर रही है, तो इन्होंने किया नहीं है तो फिर से मैं आपको बोलूँगा एक मिनट रुको और मैं मना करके आ जाता हूँ, है ना, बहुत हो गया, बस एक मिनट रुको।
हाँ भाई, आज ये मेरे को ये लगाना कि भाई जल्दबाजी है, क्योंकि पेपर पास आ गया तो मैं जल्दी से जल्दी बना दूँ। आधा डेटा तैयार हुआ था, मैं कि मैं बना देता हूँ, तुम करते रहना, तो ये ऐसे हो गया। ओके, दी गिवन पाई चार्ट्स शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस ए बी सी डी एंड ई। ग्रेजुएट टोटल इतने हैं, इसका 18% ए में है, 19% बी में है, ऐसे दे रखा है और आपको ये दिख भी रहा है, ठीक है जी। और पोस्ट ग्रेजुएट टोटल स्टूडेंट हैं 16,800, तो इसका 17%, इसका 20%, यानी कि इसकी परसेंटेज है ये सारी वैल्यूज, समझ गए। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम कॉलेज ई, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो पूछा है ई से पोस्ट ग्रेजुएट, अभी देख लेते हैं। और ये कंपेयर कर रखे हैं ना, ई ई कहाँ पर है जी, ये रहा, और ये तो इसका 1% कितना है, इसका 1% है 189, 1% निकलता है 2 के बाद पॉइंट लगा के, तो 20% कितना हो जाएगा, 1% का 20 गुना आ गया। अरे हाँ, मैंने पहले ग्रेजुएट का लिख दिया भाई, ये भी ध्यान रखना, इसका उल्टा करेंगे रेशियो। पोस्ट ग्रेजुएट का 1% कितना है, 168, और निकालना कितना है भाई, ई में, ई में है 22%, तो ये आ गया 22%, इसका उल्टा देंगे उत्तर। 2 से 10, 2 से 11, 11 से ये नहीं कट रहा, 21 से कट रहा है, 21 निम्मे, 21 अट्ठे, 2 चौके, 2 पंजे, 45/44, इसका उल्टा है उत्तर, 44:45। ध्यान रखना हमेशा जब भी रेशियो का उत्तर दोगे कि किस चीज़ को पहले पूछा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 12, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेता हूँ बेसिक क्वेश्चंस के अंदर ताकि कम टाइम लगे, है ना। फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट मंथली एक्सपेंडिचर बाई सुषमा एंड प्रीति इन डिफरेंट हेड्स, ठीक है जी, सुषमा और प्रीति का एक्सपेंडिचर दिखा रहा है। ओके, सुषमा एंड प्रीति मेक इक्वल एक्सपेंडिचर एवरी मंथ, हर महीने उनका एक्सपेंडिचर इक्वल है, ठीक है जी। अब मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, प्रीति का एक्सपेंडिचर दे रखा है रुपये में जितना भी होता है हमें नहीं पता, 15% फूड पर, 24% एजुकेशन में, कहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है ये बता रखा है, ठीक है जी, परसेंटेज में। और सुषमा का दे रखा भाई रुपयों में, और इसका जो टोटल है और इसका जो टोटल है वो सेम है, तो अगर मुझे इसका टोटल निकालना भी पड़ा तो मैं इसको जोड़ दूंगा, इसका आ जाएगा, क्योंकि उसने बता रखा है दोनों बराबर एक्सपेंडिचर कर रही हैं हर महीने, इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर और इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, ठीक है जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर डन ऑन फूड बाई सुषमा एंड प्रीति, तो सुषमा और प्रीति जो फूड पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसके बीच में फर्क कितने का है, नीचे एक बार देखो रुपए में है या परसेंटेज में, सर रुपए में, ठीक है। तो सुषमा जो फूड पर खर्च कर रही है वो तो हमें ऑलरेडी पता है 6,000 है, अब प्रीति का निकालना है कि फूड पर कितना है रुपए में, निकाल लेते हैं। तो देखो इसका टोटल करेंगे जी, तो पहले मैं हजारों वाली चीज उठा रहा हूँ, जैसे 6,000, तो 6 और 7 13, और 2 15 और 7 22, और 1 23 और 5 28, 28,000। ओके जी, अब मैं सैकड़ों वाली चीज उठा रहा हूँ, हंड्रेड्स वाले प्लेस पर, 2 और 5 7 और 5 12 और 8 20, यानी कि 20 100 20 100, 100 वाली सैकड़े वाली उठाई थी, यानी कि टोटल हो गया जी 30,000, उसके आगे कुछ है नहीं, आगे टेंस और यूनिट्स प्लेस पर 0 ही है, तो 30,000 खर्चा है टोटल, तो इसका भी 30,000 है, और उस 30,000 का 15% खर्च किया जा रहा है फूड पर, तो इसका 1% है जी 300, तो 15 3 45, 4500 रुपये खर्चे जा रहे हैं, फर्क कितने का है भाई, 1500 का फर्क आ जाएगा, कितने का फर्क आ जाएगा, 1500 का फर्क आ जाएगा, ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन 4 स्टेट्स, मिल्क की प्रोडक्शन है इन 4 स्टेट में, 1st 2nd 3rd 4th, ठीक है भाई, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन 1000 टन, कितने 1000 टन का मिल्क, तो 4 स्टेट में 2 साल में कौन से साल में कितना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था ये बता दिया, समझ गए हम। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन इन 1000 टन, ठीक है वो तो 1000 टन में ही है, फॉर ऑल स्टेट्स इन बोथ द ईयर्स, पढ़ो फिर, और इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में पढ़ लो और शांति से पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन, यानी कि दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताना है, कौन सी दो चीज़ें देखते हैं,
अब इन 1000 टन्स को पढ़ना बंद कर देना क्योंकि वो 1000 टन्स में है। एवरेज प्रोडक्शन फॉर ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स की एवरेज प्रोडक्शन ठीक है इन बोथ ईयर्स, यानी कि इस साल में सारे स्टेट की एवरेज प्रोडक्शन, इस साल में सारे स्टेट की एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। कई बच्चों को ये लगेगा, ध्यान से देना, कि फर्स्ट स्टेट की इन दोनों में एवरेज निकाल लूं, सेकंड स्टेट की इन दोनों में एवरेज निकाल लूं, थर्ड स्टेट की इन दोनों में एवरेज निकाल लूं, तो 1 2 3 4 चार चीजें हो जाएंगी ना, उनके बीच में डिफरेंस कैसे बताओगे? डिफरेंस तो दो ही चीजों में होता है ना, तो दो ही चीजें निकलेंगी। चारों स्टेट की एवरेज 2010 में, चारों स्टेट की एवरेज 2011 में। तो मैं क्या कर सकता हूं, नंबर वन चारों स्टेट की वैल्यू लूंगा 2010 में, यानी कि ब्लू वाली सारी जोड़ूंगा, चार से डिवाइड करूंगा, ऑरेंज वाली सारी जोड़ूंगा, चार से डिवाइड करूंगा, और फिर उनका डिफरेंस निकाल लूंगा। या फिर मैं एक और काम कर सकता हूं, क्या, बिकॉज ये ग्राफ मुझे अलाउ कर रहा है उस काम के लिए। यहां पर देखो ऑरेंज वाला आगे है, तो मैं चारों को जोड़ू फिर डिफरेंस निकालू, डिफरेंस से ही मतलब है ना, तो पहले ही डिफरेंस देख लो ना। तो यहां पर देखो ये ऑरेंज वाला कितने आगे है, ये 30 है, ये 40 है, 10 ऐसे लिख लो प्लस 10, साइन देखना, और हमेशा ऑरेंज के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं क्योंकि कभी ब्लू वाला आगे हो जाएगा तो ये नहीं है ऐसे डिफरेंस लिख दोगे। मैं देख रहा हूं ऑरेंज वाला 10 आगे है, ये है जी 25 और ये है 50, तो 25 का फर्क है, तो प्लस 25, ठीक है। यहां पर ऑरेंज वाला पीछे है, कितना पीछे है, 5 पीछे है, तो -5। यहां पर ऑरेंज वाला फिर 5 पीछे है, तो -5, तो +10 और दो बार -5 कट गया, ओवरऑल ऑरेंज वाला 25 आगे है, ओवरऑल डिफरेंस 25 का है। लेकिन अब चार से डिवाइड भी करना है क्योंकि जो एवरेज थी उनका डिफरेंस हम ले रहे थे, यहां पर तो मैंने सिर्फ सम का डिफरेंस लिया है, सिर्फ इनके बीच का फर्क है। हम इन चारों का सम करते, चार से डिवाइड करते, चारों का सम करते, चार से डिवाइड करते, ठीक है। तो मैं चार से डिवाइड करूंगा, 4 6 24, 6.25, समझ में आ गई बात। ये जो चीज़ है, बहुत सारे ग्राफ हैं जो हमें अलाउ कर देते हैं करने के लिए एग्जाम में, कई बार काम आएगी, ठीक है, ध्यान से समझ लो। मैं करता क्या, मैं 2020 में मैं सम लेता, 2010 में सॉरी, और चार से डिवाइड करता चारों का, फिर मैं सम लेता सबका 2011 में और चार से डिवाइड करता। तो मैंने किया क्या, 1/4 बाहर ही ले लिया, और मैं सम का 2010 का सम और 2011 का सम, इनका डिफरेंस होता उसको मैं चार से डिवाइड करता, तो मैंने सम करने के बजाय मैंने इंडिविजुअली डिफरेंस ही देख लिया। अल्टीमेटली मैं यहीं पर पहुंच गया जो वो पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम्स ऑफ 3 सेक्शंस ए बी। और एक और बात मैं बता दूं ईमानदारी से, जब मैं भी ये पढ़ता हूँ तो मेरे को डाटा ऐसा क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखता कि क्लियरली मेरे को समझ में आ गया क्या है। ये पढ़ने में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजिंग सबको ही लगता है, मेरे को, आपको, किसी भी तीसरे बंदे को, कोई भी हो, हाँ, बट ये हम पढ़ते हैं तो मोटा मोटा ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है, वो क्लियरली समझ में आ जाता है कि अच्छा ये दिया हुआ है, और फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि ये डाटा समझ में कब आता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ ये टेक्स्ट देखकर ये समझ में नहीं आता कि क्या है, ये टेक्स्ट पढ़ते हैं और फिर डाटा देखते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से क्लैरिटी आ जाती है कि दिया क्या है, सिर्फ एक चीज से नहीं आएगी। अगर आपको ये लग रहा हो सिर्फ आप ये टेक्स्ट पढ़ लो और फिर क्वेश्चन का उत्तर दे दो, ना, ये टेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन से पहले वाला, डाटा देखेंगे अच्छा ये गिवन है, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके जी। तो क्या दे रखा है, द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ 3 सेक्शंस ए बी सी। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ूंगा। अब वहां से तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं आई, क्या दे दिया भाई, रिजल्ट वजल्ट दे दिया दो एग्जाम का। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये मुझे पता चल गया 3 सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन ए में स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ एग्जाम, अच्छा, यानी कि क्योंकि हम क्वेश्चन किस बेस पर सोल्व कर रहे हैं, डी आई में हम सोल्व कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के बेस पर, इन्फॉर्मेशन समझेंगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और इन्फॉर्मेशन बनी है दो चीजों से, एक तो टेक्स्ट और एक डायग्राम, तो इन दोनों से इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी, ये कहना चाह रहा था, ये एग्जैक्टली बात समझा दी मैंने आपको, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इन दोनों से मिलकर बनी है, ओके। तो दोनों एग्जाम में जो फेल हुए वो इतने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में फेल हुए और दूसरे में पास हो गए वो इतने हैं,
हाफ ईयरली में पास हो गए, एनुअली में फेल हो गए वो इतने हैं, और दोनों में पास हो गए। तो अब मैं समझ गया कि दोनों एग्जाम में पास हुए वो दे रखे हैं, किसी एक में फेल दूसरे में पास वो भी दे रखे हैं, ठीक है, और दोनों में फेल हो गए वो दे रखे हैं, ऐसे दे रखा है हर एक सेक्शन के बारे में किसी भी एक डाटा को। ये पढ़ के मैं समझ ही जाऊंगा कि अच्छा ये गिवन है। अब देखते हैं, फाइंड द फेल्ड परसेंटेज ऑफ सेक्शन सी इन एट लीस्ट वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन। फेल्ड परसेंटेज निकालनी हमने सेक्शन सी की, ठीक है, इन एट लीस्ट वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कम से कम वन ऑफ द टू एग्जाम में जो फेल हुआ हो, तो कम से कम एक में, यानी कि एक कम से कम एक में फेल हुआ हो, एक से ज्यादा में चल जाएगा, एक से कम में फेल ना हुआ हो। अब जो एक से कम में फेल होगा तो वो फेल ही नहीं हुआ, पास ही हो गया। तो यानी कि कोई बच्चा एक में फेल हो जाए, या दो में फेल हो जाए, या तीन में फेल हो जाए, या चार में फेल हो जाए, उसको ये फेल मान रहे हैं। तो फेल परसेंटेज बोल रहे हैं कि सेक्शन सी में एट लीस्ट वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन। अब कई बच्चों को लगेगा कि सिर्फ ये वाले लेने हैं जो दो में से एक एग्जाम में फेल हुआ हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने ये नहीं बोला इन एग्जैक्टली वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन, कि दो में से एग्जैक्टली एक में जो फेल हुआ हो, या तो हाफ ईयरली में या एनुअली में, वो बोल रहा कम से कम एक में फेल हुआ हो। हाफ ईयरली में फेल हुआ चल जाएगा, कम से कम एक में फेल है। एनुअली में फेल हुआ चल जाएगा, कम से कम एक में फेल है। हाफ ईयरली और एनुअली दोनों में फेल हो गया चल जाएगा, क्यों, क्योंकि कम से कम एक में क्या, ये तो दो में ही फेल है, ठीक, ओके सी। तो सेक्शन सी का, यानी कि इन तीनों का सम करूंगा मैं, सॉरी ये तो दोनों में पास है ना, ऊपर वाले तीनों का सम करूंगा मैं, ठीक है। तो 12 और 8 20 और 6 26, 26 है जो इस क्राइटेरिया को पास कर रहे हैं। टोटल कितने हैं, 26 और 35 जोड़ लो, 3 और 2 50 और 11 61। तो 61 का कितने परसेंट है, 26। अब इसका 10% कितना है, 6, तो 6 चौके 24 40 समथिंग उत्तर है। 40 से बड़ा ये उत्तर, देखो इसका 10% है 6, तो 6 चौके 24 से तो बड़ा ही है ना इसका 40%। देखो एक बार, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ, 4 * 4 = 24 और अरे 4 आएगा, तो इसका 40% बन जाता है 24.4 से ही, ये तो उससे बड़ा है ना, 40 से बड़ा ही है उत्तर। तो ये देखो, मैं तो डाटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा, कैलकुलेटिव आता है मैं कैलकुलेटिव बताता हूँ, जैसा भी आएगा मैं वैसा ही बताऊँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप एग्जाम में परफॉर्म करो, बस। तो ऐसे ऐसे हो जाता है अप्रोक्सीमेशन से, ठीक। आगे बढ़ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 15, ओके जी। एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी प्रोड्यूस 3 डिफरेंट कार मॉडल्स ए बी एंड सी, 3 डिफरेंट कार मॉडल प्रोड्यूस कर रही है, और कौन से साल में कितने, कौन सा मॉडल कितनी कितना प्रोड्यूस हुआ ये भी बता दिया, लैक्स में, ठीक है जी। कौन से साल में किस टाइप की कार कितनी बनी ये पता चल गया, 19, 20, 21, 22 में, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ 3 डिफरेंट मॉडल्स ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स हैज बीन शोन इन द बार बिलो, पहले ही समझ चुके हैं हम, ठीक है, इसकी तरफ देख के। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए इन 19, 20 and 22, तो ये क्या है, ये है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए इन 20, 21 and 22, डिफरेंस बताना है एक तो इस चीज के बीच में, एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मॉडल बी इन ये, तो ये चीज समझ गए, इन दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताना है जो मैंने गोल गोल में रोक दी, तो ठीक है जी। तो मॉडल ए की एवरेज प्रोडक्शन 3 में है ना, हाँ जी, और ये भी 3 में है, हाँ जी, तो जरूरी नहीं है वैसे एवरेज निकालना, पर हम निकाल ही लेंगे चाहे, बाद में भी 3 से तो भाग करना ही पड़ेगा, तो ठीक है। तो मॉडल ए और मॉडल बी, तो एक और बात बताऊं, अब ए वाले को रिप्रेजेंट करता है ब्लू वाला, और बी वाले को रिप्रेजेंट करता है ऑरेंज वाला, तो कौन से साल में बता रहा है, यहां पर अलग साल है 19, 21, 22, यहां पर अलग साल है 20, 21, 22। अगर ये सेम साल में बताता तो मैं इसके तरह डिफरेंस ले लेता, मैंने सिर्फ डिफरेंस लिया था। तो अब क्या करूंगा, अब मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, कई बच्चे दिमाग लगाएंगे 21, 22 की ले लो फलान दकड़, सीधे जोड़ लो। देखो ऐसे आप कर सकते हो, 21, 22 की ले लो, 19, 20 की ले लो, बट मुझे पता है ना पेपर में क्या चीज़ हम करेंगे क्या नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो अब मैं सीधा दिखूंगा ए का, 2019 में ब्लू रिप्रेजेंट करता है 5, दिख रहा है ना ये 5, ऐसे लिख लेना नोट ऊपर 5, 19, 21, 22, 21 में ब्लू वाला 5.5, ठीक है, 22 में ब्लू वाला 4.5, ये हो गया 10 और 5 15, 15/3 इजीली आ गई, एवरेज 5 है इजीली, ठीक है जी।
अब मॉडल बी यानी कि ऑरेंज वाला देखूंगा, 20 21 22 में, ऑरेंज वाला 20 में यानी कि 6, ऑरेंज वाला 21 में बोले तो 5, ऑरेंज वाला 22 में ये हो गया जी 5.5। तो 5 और 5 10 और 6 16, 16.5 बटे में 3, एवरेज निकालनी है, 3 5 15 3 5 15, तो 5 और 5.5 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.5। और ये मामला चल रहा था लैक्स में, यानी कि आधा लाख रुपए, 1 लाख में होते हैं 100,000, आधे लाख में 50,000, ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ जाऊं। ऐसे ही करेंगे हम वाकई में एग्जाम में, और कई बार क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आती एग्जाम में क्या गिवन है, तो आप ऐसे समझोगे, ये जो मैं आपको आदत डाल रहा हूँ कि आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस निकालना है, ठीक है, अब उसको निकाल दो दिमाग से बाहर, अब मैं वो दो चीज़ें फिगर आउट कर लूँ किन के बीच में डिफरेंस निकालना है और वो निकाल लूँ, ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाई 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रहा है, हमेशा देखना रियल मार्क्स दिए हैं, परसेंटेज दिए हैं, तो ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे दिए, आयुष ने कितने परसेंट लिए मैथ में, अमन ने, तो हम समझ गए अलग अलग स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट में कितने परसेंट लिए। द नंबर इन ब्रैकेट्स गिव द मैक्सिमम मार्क्स, जो ब्रैकेट में नंबर है वो मैक्सिमम मार्क्स बता रहा है, यानी कि मैथ में मैक्सिमम मार्क्स हैं 150, और उस 150 का 90% आयुष ने लिए हैं, उस 150 का 100% अमन ने लिए, ठीक है जी। वट इज़ द टोटल रो स्कोर ऑब्टेंड बाई रोहित, रोहित का टोटल रो स्कोर, रो स्कोर यानी कि परसेंटेज नहीं, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स देख लेते हैं भाई रोहित का। अब देखो 150 का 80%, तो ये आप कैसे निकाल पाओगे, इसका 10% कितना है 15, 150 का 10% कितना है 15, और 80% क्या होता है 80% होता है 10% × 8, तो 15 8 120, ये करने के लायक होने चाहिए। अगर कोई मन ही मन में ऐसे देख सकता है कि 150 × 80/100, तो वह ऐसे कर ले कि बेसिकली हो क्या रहा है, इनकी गुणा करके 2 जीरो को गायब कर दो, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो रोहित का मैं देख रहा हूँ, बिकॉज मुझे 2 जीरो दिख रही है, जस्ट मुझे करना क्या है, या फिर ऐसे देख लो मुझे 2 जीरो इग्नोर करनी है, बस एंड के 2 डिजिट मुझे इग्नोर करने, अगर वो 2 जीरो मिल गई तो मुझे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, अगर मुझे 1 जीरो मिली तो मैं 1 के बाद पॉइंट लगा दूंगा गुणा करके, मुझे कोई भी 0 नहीं मिली तो मैं गुणा करके 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, क्योंकि बेसिकली परसेंटेज निकालने का क्या मतलब होता है, ए परसेंट ऑफ बी, इसका मतलब है कि ए और बी के प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्लियर है। तो हमें 2 जीरो इग्नोर मारनी है, तो इधर 80 है 150, 2 जीरो इग्नोर मारी, 15 8 120, रो मार्क्स निकालने ऐसे ही निकालेंगे। 13, देखो यहाँ पर 1 जीरो तो मैं इग्नोर मार चुका सर, 1 और 0 इग्नोर नहीं मार सकते, तो मैं 1 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, मैं गुणा तो कर लूँ पहले, अब मुझे पता है 1 के बाद पॉइंट लगाएगा तो मैं उसको निकाल के इधर ही रखूंगा। 13 5 65 6, 13 6 78, 8 और 6 14 84, ऐसे 12 8 96, मैंने मन ही मन में मारी 2 जीरो इग्नोर, ठीक है जी, 80 ही हो जाएगा 100 का है। आगे 36, आगे 24, अब करने को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये 60 का 60% है, 40 का 60% है, तो 100 का 60% है, दिमाग में आ जाए तो ठीक, नहीं तो ये भी ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर उसकी ज़रूरत नहीं होती, ये 60 हो गया जी, तो एंड में तो 0.5 आएगा, नज़र मारो 3 में है, छोड़ो 6 और 4 10, 1 ठीक है ना, मैंने यूनिट डिजिट 1 कैरी आ गया, तो 1 और 6 7, उसे 1 को पहले ही जोड़ दो, ये ना बाद में भूल जाएं, 1 आ गया ना हासिल, 1 और 6 7 और 8 15 और 9 24 और 8 32 और 2 36 और 10 40, यार क्या है, कहाँ गड़बड़ कर, मज़ा नहीं आया ऐसे, वैसे मज़ा नहीं आता ऐसे हो जाता है। 6 और 4 10 0 1, 1 और 6 7 और 8 15 और 9 24 और 8 32 42 और 2 44, क्या गड़बड़ मार दी थी मैंने, 440.5 ऑप्शन डी, ठीक क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं 17वें क्वेश्चन पर, ये लो जी।
क्वेश्चन पढ़ो मेरे से पहले करने की कोशिश करो, आपको मेरे से पहले करना है। स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है जी, तो ये मार्क्स ऑब्टेंड हैं यानी कि 125 मार्क्स, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं यानी कि एक स्टूडेंट के 125 नंबर आए, तीन स्टूडेंट के 130 आए, दो स्टूडेंट के 135 मार्क्स आए, आठ स्टूडेंट के 140 आए, ऐसे दे रखे हैं। ठीक है जी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेंड्स लेस देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे क्लास के, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज पूरी क्लास के मार्क्स का सम बटे में पूरी क्लास का नंबर ऑफ स्टूडेंट है भाई, कैसे निकालेंगे सोचो। जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही निकालेंगे, और कोई तरीका नहीं है। तो मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हाथ पांव नहीं फुलाने हैं कि अरे इतना लंबा हो गया ये हो गया, फर्स्ट राउंड में नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये क्वेश्चन किस में जाएगा, स्किप में जाएगा या मार्क एंड रिव्यू में, अगर आप मेरी स्ट्रेटजी वीडियो आपने देखी है जो मैं बार बार बताता हूँ, ये इसमें जाएगा मार्क एंड रिव्यू में। तो हो सकता है पहले राउंड में आप डीआई को ना पढ़ो, तो ऑफकोर्स मार्क एंड रिव्यू में जाएगा, बिना पढ़े हम स्किप कैसे कर सकते हैं, मुझसे नहीं होगा। हालांकि ये भी स्किप ही करने होते हैं बट मार्क एंड रिव्यू करके अलग कैटेगरी में जाते हैं। ठीक, अगर आपने पढ़ भी लिया कि अरे ये तो ऐसे करना पड़ेगा, तो भी मार्क एंड रिव्यू में, क्योंकि हो तो जाएगा ना, ये तो पता है ना, हम इसको कर सकते हैं, कंसेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब मैं पूरी क्लास के मार्क्स को जोड़ रहा हूँ, एक स्टूडेंट के 125 आए तो एक इंटू 125, तीन स्टूडेंट के 130 आए तो तीन इंटू 130 यानी कि 390, 13 39 390 टोटल मार्क्स हो गए, यहाँ पर तीन स्टूडेंट खड़े हैं उनके टोटल, 2 × 135 270, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। 8 × 14 14 8 112, और ये पहाड़े आने चाहिए आपको 25 तक, 5 × 45 5 × 5 25 14 5 70 और तो 72। ठीक है, 15 × 60 160। ठीक है, 5 × 5 10, 1 × 6 7 × 4 11 7 18 9 27 2 29, 2 × 1 3 और 13 16 11 27 6 33। ये मैं जानबूझ के जोड़ के दिखा रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे 23 जोड़ सकते हो। ठीक है, और मैं जोड़ क्या रहा हूँ, देखो मैं 27 में 8 जोड़ रहा हूँ, 9 जोड़ रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि 8 और 7 का यूनिट डिजिट 5 आता है, 8 और 7 15, तो 27 और 8 दिमाग में जाता है 15 35, अगले वाला 35 और 9, अब मुझे पता 9 और 5 4 आएगा तो 44 है, और 8, अब मुझे पता 8 और 4 12 होता है तो 52, तो ये समझ में आ गई कैसे जोड़ रहा हूँ। मेरे को लग रहा है आप भी ऐसे ही जोड़ रहे होंगे, सब ऐसे ही जोड़ते होंगे। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स बताने हैं, तो इतने नंबर आ गए भाई, कितने स्टूडेंट हैं, 3 और 1 4 और 2 6 और 8 14 और 10, 5 और 4 9 और 1 10, 14 और 10 24, 24 से डिवाइड करने के बजाय ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 3 एकम 3, वैसे फिर ये 6 से भी हो जाएगा बट 3 से ही कर रहा हूँ, बहुत ईजीली हो रहा है ना 3 से, और 3 8 24, 8 से ही डिवाइड कर देते हैं, 8 एकम 8, 3 बच गया, 8 × 32, 8 एकम 8 पॉइंट 141.25, 2/8 आ गया था ना, 1/4, तो 141.25 से कम लेस, तो देखो 140 पॉइंट इतने बच्चों के आए, तो 141.25 से कम यानी कि ये सारे काउंट होंगे, ये सारे, ये भी तो कम ही है ना एवरेज से। हाँ, तो 8 और 2 10 और 3 13 और 1 14, 14 ऐसे बच्चे हैं जिनके एवरेज से कम आए हैं। क्या इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाऊं, तो जब ये क्वेश्चन आता है, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब ये क्वेश्चन आता है इस तरह का कि इतनी कैलकुलेशन कर रही है, तो बच्चों के मन में आता है इसमें तो टाइम लग जाएगा, मैं तो सबसे पीछे रह जाऊंगा, मैं तो टाइम ले लूंगा। दूसरा क्या करेगा, दूसरा भी तो यही काम कर रहा है तो टाइम क्यों लग जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना भाई। तो जब क्वेश्चन अगर आपने अच्छी तैयारी करी है, आपको पता है कि आप भाई पढ़े हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि अगर आपने अच्छी तैयारी करी है तो आपको पता है आप पढ़े हो, आप पीछे 8-9 महीने ईमानदारी से पढ़े हो, मेहनत करी है, अगर इसका उत्तर हाँ है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते ये नहीं सोचना मैं लेट हो रहा हूँ, सब लेट हो रहे हैं उसमें। शांति से, जो बंदा शांति से कर जाएगा वो आगे निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो अच्छी तैयारी करेंगे फिर भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखकर वो हड़बड़ाएंगे, खुद के ऊपर डाउट करेंगे, जल्दबाजी में सिली मिस्टेक करेंगे,
जो शांति से इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, अरे टाइम लेगा, क्या दिक्कत है भाई, टाइम लेगा तो अभी स्किप कर देता हूँ, अगले राउंड में करूंगा, और शांति से करेगा क्योंकि उसे पता है ये टाइम लेगा, तो फिर वो आगे निकल जाएगा क्योंकि वो सिली मिस्टेक नहीं करेगा, वो बिना हड़बड़ाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है गाइज। 18, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ फाइव टाइप्स ऑफ कार्स, स्विफ्ट, SX4, अर्टिगा, जैन, इको, मैन्युफैक्चर्ड। हाँ, ये नाम पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, पांच तरह की कार। अच्छा भाई, कौन से साल में किस तरह की कार कितनी प्रोड्यूस करी ये बता दिया भाई, हम समझ गए, इतने ये हजारों में है, हम समझ गए भाई, मारुति ओवर द ईयर्स। ठीक है, विच टाइप ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाई मारुति ड्यूरिंग 2007 to 12 इज द मिनिमम। अब इसको ध्यान से पढ़ो, विच टाइप ऑफ द कार, कि कौन सी कार है जो मिनिमम प्रोड्यूस हुई है 2007 से 12। तो 2007 से 12 तक स्विफ्ट टोटल इतनी प्रोड्यूस हुई है, इनका सम कर दूं इतनी, और SX4 इतनी प्रोड्यूस हुई है जो मैं इनका सम कर दूं इतनी, और अर्टिगा इतनी प्रोड्यूस हुई है कि इनका सम कर दूं, तो कौन सी कार जो है वो मिनिमम प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पर एक तो मैं आपको एक सिली मिस्टेक बता दूं, मेरे साथ तो ऐसा कई बार होता है कि सपोज मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, मैंने पढ़ मिनिमम लिया और निकाल मैक्सिमम दिया, पता नहीं एक मैक्सिमम निकालने की आदत है मिनिमम के कंपैरिजन में, पढ़ मिनिमम लिया, समझ लिया सबसे कम बतानी है, और मैक्सिमम निकाल के बैठे कि ये रहा मैक्सिमम, फिर देखते रहे मिनिमम है फिर, तो ध्यान रहे मिनिमम मैक्सिमम में हमेशा ध्यान रखो, थोड़ा सा अवेयर रहना। ओके, अब दो तरीके हैं, उनमें से हम कौन सा तरीका चूज करेंगे वो हमें डेटा बताएगा, हमें डेटा बताएगा कि ऊपर ऊपर से सिर्फ देख कर काम चल जाएगा या फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन बताएगा? ये डेटा बताएगा। कैसे? एग्जांपल दूं, मान लो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 2 + 3 + 5 + 7 + 3 + 1 + 3 + 7 + 8 + 4 + 1 इनमें से बड़ा कौन सा है, तो जोड़ के देखोगे फायदे में रहोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं 1 + 2 + 3 + 4 + 9 + 10 + 100, यहां पर है 1000 + 2000 + 3000, बताओ इनमें से बड़ा कौन सा? आप बोलोगे सर ये है क्या, मजाक कर रहे हो, किसने बताया? डेटा ने बताया कि कौन सा तरीका, ये देख के पता लग रहा है बड़ा है, तो डेटा बताएगा। क्लियर है? कभी देखकर कंपैरिजन करके हो जाएगा, कभी सारे जोड़ने पड़ेंगे, दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं भाई मिनिमम नंबर वन। एक और चीज, यहां पर पांच तरह की कारें हैं, ऑप्शन तो चार ही होते हैं हमेशा, तो कभी भी चार से ज्यादा चीजें कंपेयर नहीं करनी। तो मैं सबसे पहले देख रहा हूं स्विफ्ट और एको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को देखते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया जोड़ना है, तो क्वेश्चन लेंदी है क्या, लेंदी लग रहा है, तो क्या पता डेटा बता रहा हो, पहले एक बार ये चेक करते हैं। तो स्विफ्ट और इको को देखो, या फिर स्विफ्ट के साथ अभी जैन पास में कौन सी है, ये अर्टिगा ही नहीं करनी ना चेक, SX4, तो या फिर चलो इको, चलो जो भी करो यार इसको करो, देखो ये SX4 कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, सिर्फ एक में ज़्यादा थी, सिर्फ एक में ज्यादा थी, उसमें भी 30 ज्यादा थी, बाकी जगह तो इस दूसरी वाले ने इसको बिल्कुल हरा दिया, यानी कि SX4 तो नहीं होएगी। आप लिख सकते हो SX4 तो नहीं होएगी, और अर्टिगा तो अपनी वैसे भी नहीं है। अब मैं जैन के साथ कंपेयर कर लूँ, मैं इको के साथ जानबूझ के कंपेयर नहीं कर रहा, आपको पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि वो उत्तर है। ठीक है, कंपेरिजन भी तो सिखा दूँ, इससे कम है, कम है, कम है, ये वाली जैन ये कम है, ये कम है, ये कम, क्या सारे में कम है क्या, ये 250 सारे में कम है, तो मुझे पता लग गया ना कि अरे यार अभी भी मैं मैक्सिमम निकालने लगा, हद 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 इज देयर, स्विफ्ट नहीं होगा, क्रिटिका तो ऑप्शन में ही नहीं है, मैं मैक्सिमम निकालने की बीमारी लग गई है मुझे। ठीक है, तो मिनिमम निकालना है ना, तो SX4 को कंपेयर कर रहा हूँ, कम वाला देखना है, तो ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, 135 से ज़्यादा है, 100, तो हो सकता है आपको डाउट हो जाए, तो छोड़ दो एक बार, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये कम है, 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 ये कम, ये तो हमेशा कम है, तो ये तो नहीं हो सकता, मिनिमम निकालना है कम वाली, अब इनको कंपेयर कर लो, कम है, कम है, कम है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये सबसे कम है, इको इज द आंसर। हो सकता है आप स्टार्टिंग से ही स्विफ्ट से इको को कंपेयर करते, ये कम निकलती, फिर इको को जैन से कंपेयर करते, फिर ये कम निकलती, फिर इको को SX4 से कम कर कंपेयर करते, फिर ये कम निकलती, बट जस्ट मैं आपको कंपेरिजन की सेंस सिखा रहा था, उत्तर आप समझ गए। अगर ये डाटा कन्फ्यूजिंग होता, हमें श्योरिटी से नहीं पता चलता कौन सा कम है, तो क्या होता, हम कैलकुलेट करते,
कई बार क्या होता है, दो में कंपैरिजन हो जाता है देख के, और फिर बाकी तीनों का कैलकुलेट करना होता है, मिक्स भी आते हैं। हाथ पैर नहीं फुलाने, एग्जाम में आपको जैसा फील हो वैसा कर लो, कोई बिजली नहीं गिरने वाली है कुछ सेकंड से। बस फर्स्ट राउंड में टाइम ज़्यादा नहीं देना, 19वां और 20वां दो क्वेश्चन बचे हैं फिलहाल, इन दोनों को शांति से करो। टर्नओवर ऑफ कंपनी एक्स प्रोडक्ट वाइज ए बी सी डी एंड ई अप्रोक्स। ठीक, आगे तो क्वेश्चन आ गया। तो टर्नओवर ऑफ कंपनी प्रोडक्ट वाइज, तो ये पांच प्रोडक्ट हैं ए बी सी डी ई, इनका टर्नओवर बता दिया, ये इन लैक्स बता दिया ये, ठीक है, लाखों में, यहाँ पर इन लैक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट ए, मैं आपको डाटा समझा दूँ, का 30 लाख टर्नओवर है, अच्छा जी। प्रोडक्ट बी का टर्नओवर है 40 लाख, ओके जी। यहाँ पर क्या दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज, ओके जी। यानी कि प्रोडक्ट ए में जो प्रॉफिट हुआ वो 25% हुआ, कितना हुआ, 25% हुआ यहाँ पर। तो मैं आपको एक बार टर्नओवर का मतलब बता दूं, टर्नओवर होता है एक एक होता है रेवेन्यू, इनकम, ये सारे शब्द एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है एक्सपेंडिचर, शांति से बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक होता है कॉस्ट, ये सारी चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक आता है तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉस्ट प्राइस को, और ये रिप्रेजेंट करते हैं सेलिंग प्राइस को। अगर मैंने 100 करोड़ रुपए लगाए किसी कंपनी के अंदर, अब देखो बात कर रहे हैं तो बड़ी ही बात करें, लाखों में नहीं, हम करोड़ों में करेंगे। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाने में 100 करोड़ रुपए लगाए और उससे मैंने 130 करोड़ रुपए कमा लिए, तो जो मेरा एक्सपेंडिचर है, जो मेरा खर्चा है वो ये है, जो मेरी कॉस्ट है वो ये है, ऐसे करके बताएगा। और जो मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू यानी कि जो आगे से कितना रुपया आया वो ये है, जो मेरा इनकम है कंपनी की वो ये है, जो मेरा टर्नओवर है कंपनी का वो ये है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ भाई साहब 30 करोड़ का, ये मेरा खर्चा हुआ, इतना मैंने कमा लिया 30 करोड़ का प्रॉफिट। किस पर, हमेशा देखोगे कॉस्ट पर, कॉस्ट प्राइस पर देखा जाता है ना। तो जो मेरा टर्नओवर होता है, मान लो मुझे प्रॉफिट हुआ 25%, तो इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनेगा, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ 25%, कि मेरा प्रॉफिट 25% है, तो किस चीज का 25% है, जो भी मैंने खर्चा किया था उसका, तो मेरा जो टर्नओवर है वो 125% होगा, किसका, जो भी मैंने खर्चा किया था उसका, और जो मेरा खर्चा हुआ है वो खुद का 100% है। ये कहानी है, अगर टर्नओवर दे दिया यानी कि 125% की वैल्यू दे दी, क्लियर, ये बात समझ गए। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि कंपनी ए का प्रॉफिट हुआ है 25%, तो ये जो 30 लाख रुपए टर्नओवर है यहां पर, ये 125% की वैल्यू है, ठीक, क्लियर है। 7.5%, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये 40 लाख, ये 107.5% की है, क्लियर है? इतना समझ गए ना, इतना समझ जाओ बस, ओके जी। अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द शेयर ऑफ, शेयर कितना शेयर है इन टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में कितना शेयर है एंजॉयड बाय ए एंड ई, ए एंड ई जो प्रोडक्ट है उसका कितना शेयर है टोटल प्रॉफिट में। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट कितना है। देखो 40 लाख तो टर्नओवर है, प्रॉफिट 25% है, तो ये 125% को रिप्रेजेंट करता है, टर्नओवर है ये 125 को, तो 125% की वैल्यू मुझे पता है, मुझे 25% की निकालनी है। एक तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि 125% की वैल्यू है 30 लाख, ये जो भी है लाख करोड़, हाँ लाख में है, और 25% की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि इसका 1/5 यानी कि 6 लाख। तो ऐसे ही मैं देखूंगा कंपनी ए का कितना प्रॉफिट हुआ, ई का कितना प्रॉफिट हुआ, और ये जो प्रॉफिट है ये परसेंटेज में कितना है, किसका, सभी के प्रॉफिट का, यानी कि मुझे सारे प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, सारे प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो क्या ये क्वेश्चन पढ़ के आपको ऐसे लगेगा कि सर ये तो लेंदी हो गया, हाँ ये लेंदी ही है, ये वाकई में लेंदी है, ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो वाकई में लेंदी क्वेश्चन भी आते हैं, उसको मैं ये क्यों बोलूंगा, ये 30 सेकंड में कर लो, फलाने में कर लो, ठीक है।
तो हम मार्केट रिव्यू करेंगे और बाद में करेंगे, लेकिन अभी तो हम अभी करेंगे, करते हैं। तो देखो और कैसे करना बेस्ट रहेगा मैं वो भी आपको बता दूं। देखो प्रॉफिट 25% है तो 25% की फ्रैक्शन लिख लो, 1/4 होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, एक का फायदा हुआ है 4 पर, तो ये तो है फायदा प्रॉफिट। और टर्नओवर कितना है, टर्नओवर है 5। आपने 4 रुपये की कॉस्ट लगाई, 1 रुपये का फायदा कमाया, तो ओवरऑल 5 रुपये आए होंगे कंपनी में। मैंने 4 रुपये खर्चा कर दिया, तो जब 5 रुपये आएंगे तभी तो 1 रुपये का फायदा होगा। तो टर्नओवर रिप्रेजेंट करता है 5 यूनिट को और मेरा फायदा रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट को। तो 5 यूनिट की वैल्यू मेरे पास है, मुझे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप 25/125 तो फिर भी कर लेते, लेकिन अगर वो यहाँ पर 8.33%, 12.5% फ्रैक्शन वाले देगा तो आपको फ्रैक्शन में डील करना भी आना चाहिए। इनकी फ्रैक्शन हमें पता है 16.66% देगा ऐसे, ठीक है ओके जी। अब आगे आ गया 7.5%, तो आपको 75% की फ्रैक्शन पता है क्या? आप बोलोगे जी हाँ सर पता है, 3/4 75 की। तो अगर उसने इसमें एक के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि उसने 10 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी हो गई 3/40। तो 40 पर 3 का फायदा, 40 रुपये लगाए, 3 का फायदा हुआ, कमाए कितने 43। तो 43 रिप्रेजेंट करता है इसको 40 को, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है 3 की। तो 43 यूनिट की वैल्यू है 40, 1 यूनिट की वैल्यू ये हो गई, 3 यूनिट की वैल्यू ये होगी। तो मैं हर एक कंपनी का निकाल रहा हूँ, क्या सर ऐसे ही करना पड़ेगा? जी हाँ। अब यहाँ पर देखो 20% फ्रैक्शन लिख लो, 1/5, यानी कि टर्नओवर है भाई साहब 6 यूनिट की वैल्यू है ये 20, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20/6, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी, समझ गए? ये फिर से वही 7.5 हो गया, 3/40 वाला केस हो गया, 43 की वैल्यू गिवन है, 3 की निकालनी है, प्रोडक्ट डी तो 50 है, 43 की गिवन है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू ये और 3 यूनिट की वैल्यू ये, प्लस ये फिर से वही हो गया भाई 25%, यानी कि 1/4, 5 यूनिट की वैल्यू गिवन है, 1 यूनिट की निकालनी है, तो ये हो गया जी 60। तो 60/5 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, कर लें कैंसिल आउट, 5 6 30, ये तो कैलकुलेट होएगा नहीं, छोड़ो। तो 2 3 6 2 2.5 और ये हो गया 5 12, ठीक है। इनको देखो बेस सेम है ना, 43 43, तो अलग से कैलकुलेट कर लाऊं तो 40 × 50 90, 90 × 3 270, इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, 270/43, ठीक है। ये मुझे पता ही है 10/3, 3 3 9, तो 3.333 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। तो ये 43 से कितने पर जाएगा भाई, 8 × 32 7 पर जाएगा शायद, 7 × 28 नहीं 6 पर जाएगा, 6 3 18, 1 6 × 24 और 1 25, 270 में से 58 गई 12, पॉइंट लगाया और 0 लगा दी। अब ये 43 से कितने पर जाएगा, 3 पर तो जाएगा नहीं, 3 3 9 3 × 12, तो 6.2 समथिंग हो गया, ठीक है 6.2 समथिंग। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 6.2 समथिंग, ठीक है। तो अब देखो 12 ए और ई का जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट है ये पूछा था, तो 12 और 6 18 कितने परसेंट है किसका भाई, 12 और 6 18 और 3 21 और 6 27 और 3 और 2 5 27.5 का। अगर आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो 9 × 18 9 3 27, 0.5 को एक बार इग्नोर मारो तो 2/3, यानी कि लगभग लगभग 66.66%, ठीक है 66.66%। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, उसने बोला है अप्रोक्सीमेट तो 65 से बड़ा है, यानी कि 70। एक और बात, आपको ये लगेगा कि सर आपने 0.5 को इग्नोर करा है, तो क्या पता ये 65 से छोटा है, देखो तो हम अप्रोक्स का साइन लगाने की बजाय पता है हम क्या कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं कि मैंने इसको 18/27 मान लिया, तो मुझे एक बात बताओ 18/27 इधर वाले से बड़ा है या छोटा है, आपने डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया तो ये बड़ा हो गया होगा, है ना, तो ये बड़ा हो गया होगा, तो हमारा उत्तर इज लेस देन 66.66%, तो 66.66% से कम है अपना उत्तर, है ना। तो हाँ फिर ये हो सकता है आपको रिस्की लगे, फिर हमें करना ही पड़ेगा भाई, गुणा में 100 कर देना यार, फिर कर लेना एंड में 75 है 25 से कटेगा, ठीक क्लियर है। देखो मैं इस चीज़ से नहीं भागूंगा कभी भी, जो एग्ज़ाम में करनी है वो करनी है भाई।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन इन लैक ऑफ किचन अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय थ्री कंपनीज ए बी एंड सी ओवर ए पीरियड ऑफ सिक्स ईयर्स। तो ये बता रहा है कि किचन अप्लायंस कंपनी ए बी सी तीन कंपनियों ने कितने किचन का सामान बेच डाला, कौन से साल में कितने लाख किचन अप्लायंस बेच दिए। ठीक, पता लग गया हमने कौन सी कंपनी हर साल में कितने कितने बेच रही है। ओके, लाखों में दिए हैं बट पता लग गया। अब ये बोल रहा है 80% ऑफ द कंबाइंड एवरेज कि क्या बी और सी की जो कंबाइंड एवरेज है, अब ये कंबाइंड एवरेज क्या होती है ये मैं आपको बता दूं, ये टर्म अगर आपको नहीं पता होगा फिर नहीं कर पाएंगे। फ्रॉम 2012 टू 2017 ये भी जोड़ लेते हैं इसी के अंदर, 80% ऑफ द कंबाइंड एवरेज ऑफ ये 2012 से 17 तक बी और सी की कंबाइंड एवरेज का 80%। तो 80% की को मारो गोली, सिर्फ एक बार इसको समझ लो। बी और सी की एवरेज, अगर आप बी की एवरेज कैसे निकालोगे, आप बी की एवरेज निकालोगे 12 से 17, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बी का सम कर लोगे सभी में, सम कर लोगे। कंपनी बी ऑरेंज द्वारा रिप्रेजेंटेड है, सारे ऑरेंज वालों का सम कर लोगे, बटे में कर दोगे 6, तो बी की एवरेज आ जाएगी। सी का सम कर लोगे बटे में 6, सी की एवरेज आ जाएगी। कंबाइंड एवरेज यानी कि इन दोनों की जो एवरेज है उसका भी एवरेज, इन दोनों की जो एवरेज है उसका भी एवरेज। तो जब भी ऐसे वो बोले कंबाइंड एवरेज, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है बी को जोड़ के 6 से भाग करूँगा, सी को जोड़ के 6 से भाग करूँगा, फिर दोनों की एवरेज लूँगा, तो क्यों ना मैं 12 से ही भाग कर दूंगा ना सीधा, बी को भी 12 से, सी को भी 12 से, या बी और सी को जोड़कर 12 से भाग कर दूंगा। ठीक, समझ गए ना, ये दो 6 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, यानी कि 12 से डिवाइड किया। पहली बार आपको ना पता हो, अब तो मैं बता रहा हूं ना, आगे से तो ध्यान रखोगे, कर लें भाई। अब डेटा बताएगा मैं लिख के जोड़ूंगा या मेंटली जोड़ूंगा, तो मैं बी को देख रहा हूं 2012 से 17, यानी कि सभी सालों में बी बोले तो ऑरेंज, अब मेरी नजर बिल्कुल ऑरेंज पर रहेगी, 13, मैं जीरो को इग्नोर कर रहा हूँ, तो डेटा बोल रहा है मैं इजी हूँ तो मैं ऐसे ही जोड़ूंगा ओवरली, 13 और 8, 21। और अब मैं क्या करता हूँ देखो, 21 और 10, मैं इसको एज ए 16 देख रहा हूँ, 16, तो 21 में मैं पहले 10 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 31, क्योंकि जोड़ना इजी है। फिर मैं 6 जोड़ दूंगा, 31 और 6, 37, और अपनी मदर टंग में जोड़ो जैसे बचपन में आप बचपन से अब तक जोड़ते आ रहे हो। और मैं ऑरेंज जोड़ना था मेरे को, ये बोलने के चक्कर में है ना, फिर करते हैं यार। तो 13 और 8, 21 और 7, 28 और 9, 37 और 10, 47 और 8, 55 और 630, 63 बन गया था 630। अब मैं जोड़ूंगा कंपनी सी, बी और सी की कंबाइंड एवरेज थी, तो कंपनी सी बोले तो ग्रे वाली, तो 7 और 9, 16 और 10, 26 और 2, 28 और 8, 36, 46 और 1, 47, 57 और 4, 61, 610। तो आ गया 1240। तो 1240 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 12 से। इसको मैं 6 से डिवाइड करता, इसको 6 से डिवाइड करता, फिर जोड़ के दोनों को 2 से, मैं आपको बता चुका हूं 12 से डिवाइड। तो ये इनकी कंबाइंड एवरेज आ गई। अब वो बोल रहा है इसका 80%, तो ये लो 80/100 यानी कि 4/5। तो जो भी वो बोल रहा था मैंने बता दिया। ठीक, क्या पूछ रहा था वो? द बार ग्राफ राणा लिमकाना फ्रॉम 12 to 17। ठीक है, 80% ऑफ द कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी एंड सी इज व्हाट परसेंटेज, ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है। ठीक है, टू द नियरेस्ट इंटीजर मोर और लेस देन, कितने परसेंट कम या ज्यादा है 90% ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए की एवरेज प्रोडक्शन। तो सिंपली ए का सारा सम करूंगा और 6 से डिवाइड करूंगा, ले लेते हैं जी, ब्लू से रिप्रेजेंटेड है, तो मैं इसको 10 देख रहा हूं, 10 एंड वाली जीरो को इग्नोर करके, 10 और 9, 19 और 10, 29 और 6, 35 और 10, 45 और 5, 50 और 7, 57 और 11, 68, 680 बटे में मैं क्या करूंगा 6, ताकि मेरी आ जाए एवरेज। वो बोल रहा है इस एवरेज का 90% यानी कि 9/10। ये कितने परसेंट है इसका, आप निकाल लेते हैं रेशो, कितने परसेंट ज्यादा या कम है। अभी देखो भाई, 12 5 60, 10 6 60, 0 से गया 0,
चार से चला जाएगा 17 पर, और कुछ कट रहा है भाई? 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 124 कितने परसेंट कमियां ज़्यादा है 17 निम में 153 से? कम है ये तो, 13 में से 4 गए, 9, 4 में से तो 29 कम है। ठीक है, इसका 10% मतलब 29 इज व्हाट परसेंट ऑफ 153, इसका 10% कितना है 15, 15 का डबल, तो 15 का डबल 30, 30 से थोड़ा कम, 20% से थोड़ा सा कम, जो भी होगा उतने परसेंट लेस है, तो 20% से कम। देखो मोर तो ये है नहीं, ये तो हम क्लियर हो चुके, या तो 19% लेस है या 21% लेस है। मैंने क्या बताया कि 20% से जो थोड़ा सा कम है तो 19% लेस है। मुझे एक बात बताओ, एग्जामिनर यहाँ पर 18 भी दे सकता था कि नहीं दे सकता था, बट उसने 21 दिया, वो चाह रहा आप ऐसे अप्रोक्सीमेट कर लो भाई, और एग्जामिनर जो जाएगा हम वही करेंगे, क्योंकि वही पेपर सेट करने वाला है, उसकी नब्ज को पकड़ लिया तो हम पार हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है? तो भाई इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, अब अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको दूंगा, जो डिट्टो मैंने बोर्ड पर लिखा है वो वाली, ठीक है, तभी आपकी कुछ मदद हो पाएगी डीआई के अंदर। ठीक है जी, और ये पीडीएफ आपको दो जगह पर मिलेगी, नंबर वन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो का जो नाम है उसी नाम से सर्च कर लेना। दूसरा है सोर्स जहाँ पर ये मिलेगी, ईवन कोचिंग सेंटर की ऐप, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर एक सेक्शन मिलेगा YouTube PDF होम पेज पर, ये ऐप पर, उसके ऊपर क्लिक करोगे, अंदर एक सेक्शन मिलेगा सितंबर 2024, उसके ऊपर क्लिक करोगे, 4-5 PDF मिलेंगी, जितनी ही मिलेंगी उनमें से एक इसकी PDF होगी इसी वीडियो के नाम से। डन, आगे अब मैं क्या करूँगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा, 20 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए, 30 और क्वेश्चन दूंगा, तो 20 तो आपको एनोटेटेड मिल जाएंगे ऐसे, और 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ब्लैंक, और आपके पास आंसर की भी होगी उसकी, विद आंसर्स मिलेंगे, तो आपने उन 30 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और एक बात, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अगर कोई क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो तो, कई क्वेश्चन है वाकई में टाइम टेकिंग, ठीक है, ओके जी, तो उन 30 क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, वो जो क्वेश्चन हैं वो भी ऐसे छांटे हुए हैं, ठीक है, जैसे मैंने करवाए। तो अगर आपको ये लगता है कि सर एक तो आप उनको सोल्व कर लो, आप उनसे प्रैक्टिस कर लो, जब आप उन चीज किसी भी चीज़ को दो बार करते हो तो और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो। अगर आपको लग रहा है सर अगले 20 क्वेश्चन पर भी वीडियो बना दो, इन्हीं 30 में से जो अगले 20 है उनके ऊपर बना दूंगा, कि अगले 20 क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बना दो, तो वो भी मैं बता दूंगा, तो वो आपको कमेंट करना है। अगर आपको ये फील हो रहा है कि अगला पार्ट जो है, अगर आपको इस पार्ट से फ़ायदा मिला तो, और ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो के एंड में, ताकि एंड तक जेन्युइन स्टूडेंट बचते हैं, तो मुझे उन्हीं का फीडबैक चाहिए था, आपको अगला पार्ट चाहिए तो अगले 20 क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा ऐसे ही। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और एक और बात बोलूँगा जाने से पहले, कि जो अपने चैनल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बोल रहा था, ये आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एंड तक जेन्युइन स्टूडेंट बचे हैं, मुझे पता है वो स्टूडेंट मान लेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ईवन कोचिंग सेंटर 2.0 का भी और शॉर्ट्स वाले का भी, जिस चीज़ से सब्सक्राइब करने पर फ़ायदा होगा वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ठीक है भाई, दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय बाय। और स्टूडेंट्स बार बार अपने बैचेस के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं 2 मिनट लेके आपको मिनिमम टाइम के अंदर सब कुछ बता देता हूँ। अपने 2 तरह के बैचेस हैं, एक तो फाउंडेशन बैच और एक टीयर 2 बैच। जो फाउंडेशन बैच है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक ऐसा स्टूडेंट जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसके बाहर उसको एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं करना, नॉट इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि इससे बाहर कुछ नहीं करना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी नहीं लेनी, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं करना। इसके अलावा अगर आप कोई भी कंटेंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट, दैट्स इट, उससे पहले आप इसी को रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये इतना कंप्लीट है तो फिर टीयर 2 बैच की क्या जरूरत है? ये टीयर 2 बैच क्या है? ये जो अपना फाउंडेशन बैच है ये टीयर 1, टीयर 2, अरिथमेटिक, एडवांस, सारे सिलेबस को कवर करता है। ठीक है, ये जो टीयर 2 बैच है, जब आपका एग्ज़ाम पास होता है, 2 महीने बचे हैं, 2.5 महीने बचे हैं, तो उस मिनिमम टाइम के अंदर इतने बड़े सारे सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज करना स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर मेरे साथ रिविज़न करना चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो तब मैं उनको ये टाइम देता हूँ, तब उनको ये बैच मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम मोस्ट एफिशिएंट तरीके से, मोस्ट एफिशिएंट तरीका क्या रहेगा कि सारा काम हो जाए और फास्ट हो जाए, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट,
तो ऐसा मानकर ये बैच कराया जाता है कि बच्चा एक बार सिलेबस कर चुका है, तो मोस्ट एफिशिएंट तरीके से सिर्फ रिलेवेंट पढ़ते हैं जो पेपर में आएगा, उस चीज़ की रिवीजन और प्रैक्टिस करते हैं। इसका कंटेंट ऐसा है कि 2 महीने में आप सिलेबस ख़त्म कर सकते हो, इसका कंटेंट ऐसा है कि 6 महीने में आप सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में ऑफकोर्स मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ते रहोगे तो क्लियर है। और जब अपना एग्ज़ाम पास आता है तो उस वक्त मैं फाउंडेशन बैच वालों को, जब टीयर वन एग्ज़ाम पास आता है तो टीयर टू बैच का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर मैं आपको विजिबल भी करवा देता हूँ। तो ये 2 बैचेज हैं अलग अलग स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इन दोनों बैचेज के ऐसे ही अपने रीजनिंग के बैचेज भी हैं, इन दोनों के अंदर स्पेशली रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं। स्पेशली रिकॉर्डेड का मतलब है किसी लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं स्पेशली रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं होएगा, 1 सेकंड भी बकवास फालतू बात नहीं होएगी, पहले दिन आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। और अपडेटेड कंटेंट रहता है। सर अपडेटेड कंटेंट कैसे रहता है? मान लो ये बैच 6 महीने में बनता है और मैं लगातार बना रहा हूँ, तो पहली वीडियो जब बनेगी उसके 6 महीने बाद लास्ट वाली वीडियो बनेगी ना, ऐसे तो पहली वीडियो को बने 6 महीने हो गए। तो क्या है, जब जब ज़रूरत पड़ती रहती है मैं इसके अंदर अपडेट करता रहता हूँ, तो हमेशा जो कंटेंट रहता है वो अपडेटेड रहता है। जिस भी चैप्टर के अंदर कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत है, पूरा चैप्टर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, पूरा अरिथमेटिक रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, वो मैं लगातार लगा रहता हूँ उस काम के ऊपर, ठीक है। नॉट इवन ए सिंगल सेकेंड इज वेस्टेड। नेक्स्ट, तो ये बैचेस अवेलेबल कहाँ पर है? अपनी ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर आपको ये बैचेस मिल जाएंगे मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो 9878, ये नंबर थोड़ा सा अधूरा रह गया, 9878125144, इस नंबर के ऊपर। अपने पास जो सपोर्ट टीम है वो बेस्ट है, यानी कि मैंने वीडियोस के नीचे कमेंट देखे हैं लोगों के, मेरा वो वाला बैच है, मेरी ये प्रॉब्लम, अपनी वीडियोस के नीचे नहीं, अलग अलग जगह, कि वो वाला बैच है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, तो 1% भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एट द मैक्स हो सकता है 24 घंटे के लिए डिले हो जाए प्रॉब्लम का सोल्यूशन, बट ये नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 दिन 2 दिन मैक्स डिले हो सकता है बस, ठीक है। और वो भी हम कंपनसेट करते हैं।